ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, अपने घरों में सेफ़ होंगे। अटेंडेंस लाइव होगी, अटेंडेंस मार्क कर लें आप लोग, फिर आजकल के स्टार्ट करते हैं। पहले मुझे ये बताएं आप लोगों ने वीकेंड पे क्या किया है, कोई प्रैक्टिस वगैरह की है, कुछ नया क्रिएट किया है। आप लोगों ने जो पोस्ट पे कमेंट्स किए थे अभी तक के, वो मैंने सारे देख लिए हैं। उसके अंदर आप लोगों ने जो स्टेशनरी डिज़ाइन किए हैं वो बहुत अच्छे बने हुए हैं। कुछ बच्चों ने इनबॉक्स किए थे, उनको मैंने रिस्पॉन्स कर दिया वहाँ पर। तो कोई मसला आया हो, कोई चीज़ समझ ना आई हो तो मुझे बताएँ, कोई चीज़ रिपीट करनी हो। वैसे तो फ्राइडे के लेक्चर के अंदर मैं सारा कुछ दोबारा देखा था, लेकिन स्टिल कोई मसला आ रहा हो, कोई चीज़ अप्लाई ना हो रही हो तो उसको बताइएगा, वो हम आज देख लेंगे। इसके अलावा जो अभी तक हमने चीज़ें कवर कर ली हैं उसमें हमारे पास ये सारी चीज़ें जो मैंने अभी ग्रे आउट की हुई हैं ये हमने कवर की हैं। जो रिमेनिंग है उसमें ग्रेडियंट्स रहते हैं हमारे, ठीक है। ग्रेडियंट्स क्या होते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, उसको आज हम देखेंगे। इसके अलावा पेन टूल आज हम कवर करेंगे, स्मूथ टूल देखेंगे क्या होता है, एंकर पॉइंट ऐड करने का क्या मतलब है, इरेजर टूल है इसके अलावा, और शेप बिल्डर टूल है, ठीक है। कोशिश करेंगे आज ये कवर हो जाएं, या इसके अलावा थोड़ा सा और कोई चीज़ हमारे पास रहती हुई तो वो हम देख लेंगे, ठीक है। तो काफ़ी हद तक हमने इलस्ट्रेटर कवर कर लिया है। प्रॉब्ली ये लास्ट लेक्चर होगा इलस्ट्रेटर के टूल्स के ऊपर, बाकी फिर आगे चल के हम डिज़ाइन पर बात करेंगे, फिर साथ साथ कोई नई चीज़ होगी तो ऐड करते जाएंगे। अच्छा सर, आर्ट बोर्ड से बाहर पिक्चर्स तो किस तरह हाइड करते हैं? रेक्टेंगल बना के मुझसे नहीं हो रहा। आपसे माइट भी इसलिए नहीं हो रहा हो क्योंकि आप रेक्टेंगल जस्ट सेलेक्ट कर रही हैं। आपने सब कुछ सेलेक्ट करना है, रेक्टेंगल ऊपर क्रिएट करके उसके बाद सारा कुछ सेलेक्ट करना है ताकि वो एक तरह से मास्क हो सके। आज मैं दोबारा एक दफ़ा स्टेप करके दिखा दूंगा ताकि आपको आइडिया हो जाए। सर काइंडली गाइड का बता दें कैसे लगाते हैं। मैंने गाइड्स काफ़ी दफ़ा बताई हैं, आज वैसे यूज़ भी होंगी तो आज एक दफ़ा दोबारा देख लीजिएगा उसको। मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स मास्क नहीं हो रही, आपको वीडियो भेजी थी वो मैं आज करवा देता हूँ उसको, ठीक है। आप मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को इकट्ठा मास्क कर रहे हैं एक इमेज के ऊपर तो वो कैसे होगा उसको भी दिखा दूंगा आज। और कोई सलावा चीज़ हो आगे से जो कुछ डिफ़िकल्ट चीज़ें जैसे पेन टूल वगैरह है, मेरी कोशिश है कि इनकी मैं आपको कुछ वीडियोज़ भी साथ दूँ, ठीक है, क्योंकि ये जो लेक्चर होता है वो रिमूव हो जाता है एक दिन बाद। तो वो वीडियोस का ये फ़ायदा होगा कि आप टाइम के साथ साथ प्रैक्टिस कर रहे होंगे, तो वो वीडियोस आप बार बार साथ साथ देख के रिपीट पे बार बार देखें बेशक, तो उससे ये होगा कि आपको थोड़ा सा वो प्रैक्टिस में हेल्प करेगा, ठीक है। जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं अटेंडेंस मार्क करते जाएं, हम स्टार्ट करते हैं फिर लेक्चर। मैंने आप लोगों से पूछा है कि आप लोगों ने वीकेंड पे क्या किया है, क्या डिज़ाइन बनाया है, बिज़नेस कार्ड डिज़ाइन किया है, लेटर डिज़ाइन किया है, क्या कुछ किया। मुझे वो चीज़ें आप लोग कमेंट में बताएं कि आप लोगों ने अभी तक क्या किया है वीकेंड पे। कोई ऐसा बच्चा जिसने कुछ भी ना किया वो भी लिखेगा कि मैंने कुछ भी नहीं किया। अच्छा जी सर, गाइड्स एक बार लगा देता हूँ पर वो मूव नहीं होती और डिलीट भी नहीं होती क्योंकि आपकी गाइड्स लॉक होती हैं, या मुझे इनबॉक्स करते मैं आपको उसी टाइम बताया था कि आपकी गाइड्स हैं वो लॉक हुई हुई हैं। आप राइट क्लिक करके अनलॉक गाइड करेंगे तो आपकी गाइड्स अनलॉक हो जाएंगी, फिर आप चाहे मूव करें चाहे डिलीट करें। लेटर हेड बनाया, बिजनेस कार्ड बनाया, ठीक हो गया। कार्ड डिज़ाइन किए हैं, ठीक है। हाउ टू सेलेक्ट मल्टीपल ऑब्जेक्ट बिकॉज आर्ट बोर्ड इज़ इन बिग साइज एंड अदर ऑब्जेक्ट स्मॉल ऑब्जेक्ट्स हाइड बिहाइंड इट। मैंने इसका आपको बताया था कि आप लेयर पैनल से सिलेक्ट कर सकते हैं। जब हमने लेयर पैनल पढ़ा था वहाँ ने बताया इसलिए था कि कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिसको आप डायरेक्ट सेलेक्ट नहीं कर सकते। फिर आप लेयर पैनल में जाते हैं और वहाँ पे उन ऑब्जेक्ट्स को जो डॉट बना रहा था वहाँ पे क्लिक करते हैं, उससे वो सिलेक्ट हो जाते हैं। ठीक हो गया। कार्ड डिज़ाइन किए हैं जी सब ने। टूल की प्रैक्टिस की है लेकिन बिजी होने की वजह से कुछ फिनिश नहीं हुआ। ओके, ये सब प्रैक्टिस की है, सब चीज़ों के प्रोसेस में है प्रैक्टिस। ओके जस्ट अ सेकेंड। अच्छा जी सर, एक जनरल क्वेश्चन है ऑफ टॉपिक। कुछ लोग कहते हैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग बहुत सैचुरेटेड फील्ड है और न्यू लोगों के लिए बहुत मुश्किल है इस सर्विस में, इसमें सरवाइव करना। अच्छा, आइसक्रीम वाला भी आ गया। अच्छा, अब ये बड़ा अच्छा सवाल है कि जी हर बंदा ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर रहा है तो ये बड़ा मुश्किल होगा मेरे लिए वहाँ पे सरवाइव करना, क्योंकि सैचुरेट हो चुकी है, बहुत ज़्यादा प्रोवाइडर्स हैं सर्विस के और सर्विस लेने वाले काम है। तो ऐसा नहीं है। एक चीज़ याद रखिएगा कि आप लोग जब अगर आप में से कोई हाइकिंग वगैरह का शौक़ रखता है, यानी कि पहाड़ चढ़ने का या इस तरह से किसी को शौक़ हो या आइडिया हो एटलीस्ट कि हाइकिंग क्या होती है, यानी कि पहाड़ चढ़े जाते हैं, तो आपने थोड़ा सा देखा होगा कि जब आप किसी इस तरह की जगह पर जाते हो तो वहाँ पर जो बॉटम वाला एरिया होता है ना, जहाँ पे एक्सेस आसान होता है, वहाँ पे ज़्यादा लोग होते हैं, फैमिलीज़ वहाँ पे चादर बिछा के बैठे होंगे, बच्चे खेल रहे होंगे, वहाँ रश बहुत ज़्यादा होगा। लेकिन जैसे जैसे आप पहाड़ की तरफ ऊपर जाना शुरू कर देंगे, पहाड़ चढ़ना शुरू करेंगे, मुश्किलात का सामना होगा, मुश्किल रास्ते आएंगे, वहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता लोग कम होते जाएंगे। करते करते जो कचरा वगैरह पड़ा होता है, लोगों ने कचरा फेंका होता है, वो कचरा भी कम होना शुरू हो जाता है और ऊपर जाएंगे, साफ़ व्यू नज़र आएगा और अच्छी चीज़ें नज़र आएंगी। तो मेन चीज़ समझाने का मकसद ये कि ये जो रश है ये बिल्कुल बॉटम पे है। लोग दो चार वीडियोस देखेंगे, एक इलस्ट्रेटर की वीडियो देख ली, उसमें उसने एक लोगो बना के दिखा दिया, वो फेसबुक पे अपना स्टेटस अपडेट कर देंगे ग्राफिक डिज़ाइनर एट फाइवर, तो वहाँ से ग्राफिक डिज़ाइनिंग नहीं आती आपको। आपको एक टाइम चाहिए। वो जो ये स्टार्ट वाले लोग हैं वहाँ पर आपको बहुत सैचुरेटेड लोग मिलेंगे, बहुत ज़्यादा आपको सर्विस मिलेगी, हर बंदा लोगो डिज़ाइन की बात करोगे, लेकिन एक्चुअल में लोगो होता क्या है किसी को आइडिया भी नहीं होगा। ठीक है, वो सिंपल नेट से उठाएगा लोगो, उसको कॉपी करेगा, उठा के दे देगा, $5 $10 लेगा इस चीज़ के। तो आपने उसके साथ खुद को कंपेयर नहीं करना। आप एक कंप्लीट ट्रेनिंग ले रहे हो एक चीज़ की, एक चीज़ सीख रहे हो और उसके बाद जाके आप सर्विस दे रहे हो, तो आपकी प्राइस में और उसकी प्राइस में बहुत फ़र्क होगा, आपके क्लाइंट में और उसके क्लाइंट में बहुत फ़र्क होगा। एक ऐसा क्लाइंट जिसकी कंपनी का लोगो एक लार्ज साइज़ पिज़्ज़ा से भी सस्ता है। एक लार्ज साइज़ पिज़्ज़ा नॉर्मली कितने का होता है? बहुत ज़्यादा हो गया, 1500 का हो जाएगा, 2000 का हो जाएगा। और अगर एक बंदा अपनी कंपनी के लोगों के लिए सिर्फ इतना पे कर रहा है तो खुद सोचें आप उसकी ओवरऑल थिंकिंग कैसी होगी, वो कितने कीड़े निकालेगा आपके डिज़ाइन में। लेकिन अगर आप एक अच्छे क्लाइंट के साथ काम करते हैं जहाँ पे आपको एक अच्छा लोगो क्रिएट करना आता है, मैं उसकी बात करूँ उसको ग्राफिक डिज़ाइनिंग आती है, ठीक है, ये उसके लिए नहीं है कि जिसको ना खुद आती है और वो ये कंप्लेन कर रहा है कि नहीं जी मार्केट बहुत फुल है तो मैं काम नहीं कर सकता। ये उसके लिए इसने कुछ सीखा है, जिसको कुछ बनाना आता है, ठीक है, और वो मेहनत कर रहा है, वो मज़ीद चीज़ें सीख रहा है। ये उस बच्चे के लिए जो मेहनत करने वाला बच्चा है, तो फिर उसके लिए कोई मसला नहीं होता। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि पाकिस्तान में बहुत कम अच्छे डिज़ाइनर्स हैं, बहुत कम ग्राफिक डिज़ाइनर्स हैं जो कहा जा सकता है कि वो बड़े ब्रांड के साथ काम कर सकते हैं। बाकी सारे वही इधर से कॉपी किया, उधर से कॉपी किया और क्लाइंट को एक जुगाड़ बना के दे दिया। वो एक टेम्प्रेरी तौर पर तो काम चल जाता है, लेकिन वो क्लाइंट फिर दोबारा आपके साथ काम नहीं करता कि इसने ये चीज़ कॉपी की भी है, मुझे कोई ज़्यादा मज़ा नहीं आया इसके साथ काम करके, इसकी कम्युनिकेशन भी अच्छी नहीं थी। तो वहाँ पे आप लैग कर जाते हो। जो आपको फ़ायदा इस टाइम ये है कि आप एक प्रॉपर ट्रेनिंग ले रहे हो। मैं एक तकरीबन 6-7 साल से फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ, मुझे एक एक चीज़ का पता है कि क्या क्लाइंट मांगता है और किस तरह आपने क्लाइंट को डील करना है। जो वहाँ पर मार्केट में लोग बैठे हैं उनको ये चीज़ें नहीं पता, वो बस यूट्यूब पर वीडियोज़ देखते हैं, जो उनको कॉन्टेंट समझ आता है या जो वो एक्सपीरियंस करते हैं चीज़, उसके लिहाज से वो आगे से रिएक्ट कर रहे होते हैं। आपको पहले से तैयार करके भेजा जा रहा है, ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा आपको इस एंड पे थोड़ा सा फ़ायदा है। तो घबराना नहीं है कि जी बहुत ज़्यादा लोग हैं मार्केट में, आप लोग उनसे बहुत बेहतर हैं क्योंकि आप ट्रेंड हैं और आपने अपना एक कैटेगरी चूज़ करनी है कि मैंने जस्ट इस चीज़ का काम करना है। आप हर चीज़ सेल करना शुरू कर दोगे तो आप किसी भी चीज़ में एक्सपर्ट नहीं होगे। ये आगे चल के हम एंड में पढ़ेंगे कि अब हमने एक्चुअल में सेलेक्ट क्या करना है। आप ख़ुद को पहचानोगे कि आपको क्या काम करने में मज़ा आता है, क्या चीज़ डिज़ाइन करने में मज़ा आता है, किसकी इंस्पिरेशन आप जल्दी पिक करते हो। तो ये सारा कुछ आगे चल के आपको आइडिया हो जाएगा। फ़िलहाल आपने जस्ट मेहनत करनी है। जो मैंने बात की कि मेहनती बच्चा जो है वो कभी मार नहीं खाता, तो आपने मेहनती बच्चा बनना है, उसके बाद फिर कोई टेंशन नहीं है, वो खुद अपना रास्ता बनाता है। ओके जी, टूल की प्रैक्टिस की है, बिजनेस कार्ड ठीक हो गया। सर करंट प्रैक्टिस आई एम हैविंग माय, ठीक है आपके एग्ज़ाम चल रहे थे सर, शेप में जो इमेज फिट करते हैं एक बार वो प्रोसेस बता दें, चलें उसको कर लेंगे। सर हम ट्रेसिंग पढ़ेंगे जी, आज हम पेन टूल पढ़ेंगे। काफ़ी रैंडम चीज़ें ट्राई की हैं, डिफरेंट टूल्स ट्राई किए हैं, ठीक हो गया, अमेजिंग एग्जाम्पल, थैंक यू जी। सर टूल के नाम ये की और प्रैक्टिस भी की, ठीक है, स्पीड स्लो थी पूरी रात में, ठीक हो गया, नो इशू जी। प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन ज़रूरी है। आर फिल्टर्स फॉर फोटो एडिटिंग आल्सो डिज़ाइन बाय ग्राफिक डिज़ाइनर्स, जो आप लोग ऐप में देखते हैं फ़ोटो फिल्टर्स, वो माइट भी ग्राफिक डिज़ाइनर ही क्रिएट करते हैं, ठीक है, जो ऐप के अंदर होते हैं। इसके अलावा फोटोशॉप के अंदर आप अप्लाई करें तो वो भी ग्राफिक डिज़ाइनर ही बना रहे होते हैं। ठीक हो गया, बिजनेस कार्ड लेटर हेड किया है, ठीक है जी, ठीक हो गया, ओके जी। सो जिन लोगों ने अभी रिसेंटली ज्वाइन किया है अपने अटेंडेंस मार्क करें। सर अब हम बच्चे थोड़ी हैं जी, ऐसा ही है, आप में से काफ़ी बच्चे जो हैं वो बिल्कुल बच्चों की तरह ही हैं, जिस तरह कि वो मुझसे बातें कर रहे होते हैं या मुझे रिक्वेस्ट दे रहे होते हैं कि सर ऐसे कर दें वैसे कर दें, थोड़ा स्लो लेके चलें, मुझसे काम नहीं होता। तो ये थोड़ी सी चीज़ें हैं जो आप में से कुछ तो जो हैं जो बड़े हैं, लेकिन कुछ जो हैं वो बच्चे हैं, तो दोनों को साथ लेके चलना, ठीक है, क्योंकि वी आर लाइक अ फैमिली, तो हमने बड़ों को भी साथ लेके चलना है और बच्चों को भी साथ लेके चलना है, ठीक है जी। सो स्टार्ट करते हैं हम लोग इलस्ट्रेटर। याद रहे कि जब आप लोग प्रैक्टिस कर रहे होते हैं उस टाइम आपका जो आर्ट बोर्ड है वो आप किसी भी साइज़ का ले सकते हो। ये बहुत ज़्यादा मसला आता है आगे चल के कि जी हम लोगो डिज़ाइन करने लगे हैं या पेन टूल की प्रैक्टिस करने लगे हैं, तो हम आर्ट बोर्ड का क्या साइज़ लें। कोशिश करें कि आपका आर्ट बोर्ड का साइज़ ना बहुत ज़्यादा बड़ा हो ना बहुत ज़्यादा छोटा हो। छोटे का मतलब ये है कि 1500 पिक्सल से कम ना हो, ठीक है, एटलीस्ट 2000 पिक्सल तक का हो, और 4000 से ज़्यादा जाएगा तो फिर आपकी अगर रैम छोटी है सिस्टम की तो माइट भी वहाँ पे थोड़ा बहुत इशू आ सकता है बड़े आर्ट बोर्ड को हैंडल करने में, ठीक है। तो आप 3000 बाय 3000 का पिक्सल आपका सिस्टम माइट भी बड़ा इजीली हैंडल कर लेगा। अगर उसमें भी मसला आता है 2000 बाय 2000 का पिक्सल का आर्ट बोर्ड आप क्रिएट करें और उसमें प्रैक्टिस कर लें, वो एक तरह का स्केयर होगा, उसमें आप बड़ा इजीली चीज़ें मूव इन मूव आउट कर सकते हो। जितने कम पिक्सल होंगे आपका जब ऑब्जेक्ट मूव करोगे या अलाइन करोगे वो उतनी बड़ी बड़ी जंप्स लेगा, क्योंकि इसमें पिक्सल थोड़े हैं, स्टेप्स थोड़े हैं, तो बड़ी बड़ी जंप्स लेगा। अगर उसमें पिक्सल ज़्यादा होंगे तो बहुत माइनर सा और बहुत क्रिस्प किस्म का आपका ओवरऑल जो है वो डिज़ाइन क्रिएट होगा, बहुत शार्प उसमें फील आएगी जितने ज़्यादा पिक्सल होंगे उसमें, ठीक है। तो नॉर्मली मैं क्योंकि अभी इस टाइम बड़ा सिस्टम यूज़ कर रहा हूँ तो 5000 का मैं क्रिएट करता हूँ, लेकिन फ़िलहाल क्योंकि आपको दिखाना भी है साथ साथ, तो हम 3000 बाय 3000 पिक्सल का एक आर्ट बोर्ड ले लेते हैं, ठीक है। और सिंपल एक आर्ट बोर्ड ले रहा हूँ क्योंकि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, कुछ चीज़ें क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। न्यू टूल्स हम लोगों ने यहाँ पे देखे हैं, इनको अप्लाई कर रहे हैं, कोई फाइनल डिज़ाइन फ़िलहाल क्रिएट नहीं कर रहे, तो इसलिए हम किसी भी साइज़ का ओवरऑल आर्ट बोर्ड ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमने इसको प्रिंट नहीं करना, कहीं पोस्ट नहीं करना, जस्ट प्रैक्टिस करनी है, तो वो यूज़ करें। हाँ, 19, 20, 10, 80 वाला अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो वो साइज़ भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने आपको बताया कि पिक्सल थोड़े ज़्यादा रखने हैं और उसके ऊपर प्रैक्टिस करें। आर्ट बोर्ड का इससे एज सच आर्ट बोर्ड के साइज़ का कोई लेना देना नहीं है, जस्ट उसमें पिक्सल ज़्यादा होने चाहिए। बाकी कलर मोड वगैरह वही RGB वगैरह होगा, ठीक है, एक ही आर्ट बोर्ड काफ़ी है, तो सिंपल आप यहाँ से इसको क्रिएट कर देंगे और इस तरह से आपके पास एक आर्ट बोर्ड आ जाएगा। यहाँ तक की चीज़ हमने बहुत दफ़ा की हुई है, सो इसमें हमें बहुत डिटेल के अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब इसके बाद जो हम आज चीज़ें करने लगे हैं, एक स्टूडेंट ने कहा है कि हमारे पास जो आर्ट बोर्ड के बाहर चीज़ें पड़ी होती हैं वो कट नहीं होती, वो मास्क नहीं होती, वो कैसे होंगी उसको मैं एक दफ़ा बता देता हूँ। लेट से आपके पास यहाँ पे आपके ये आर्ट बोर्ड के बाहर चीज़ें पड़ी हुई हैं इस तरह से, ठीक है। आप इसको, ये कुछ चीज़ें आर्ट बोर्ड के अंदर भी मौजूद हैं इस तरह से, ठीक है। अब आपने ये चाहते हैं कि जो चीज़ें आर्ट बोर्ड के अंदर हैं जस्ट वो विजिबल हों, बाकी सारी जो हैं वो हाइड हो जाएँ, तो उसके लिए सिंपल मैंने आपको मेथड बताया था कि आपने रेक्टेंगल क्रिएट करना है यहाँ से पूरे आर्ट बोर्ड के ऊपर, इस तरह से रेक्टेंगल फिल होना चाहिए, ठीक है। आपने इस तरह से रेक्टेंगल क्रिएट कर लिया, आप इस सब को सिलेक्ट करना है। आप जो गलती करते हो इसको मास्क करते हो, आप सिर्फ इसको सिलेक्ट करते हैं और ऑब्जेक्ट में जाके क्लिपिंग मास्क एंड मेक करते हैं, जबकि वो आगे से एरर दे देता है। क्यों? क्योंकि वो कह रहा है कि मास्क एटलीस्ट दो चीज़ों का होता है, एक चीज़ का नहीं होता, ठीक है। तो आपने इन सब को सिलेक्ट करना है। अब जब सब सेलेक्ट हो गए हैं तो फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट में जाके क्लिपिंग मास्क एंड मेक। अब जब आप क्लिपिंग करोगे तो उसके बाद आपके सारी जो बाहर की भाई फालतू चीज़ें हैं वो सारी कट डाउन हो जाएंगी और आप जस्ट जो आपने रेक्टेंगल क्रिएट किया था उसके अंदर वाला एरिया विजिबल होगा। इसको रिलीज़ करना है, राइट क्लिक करेंगे आप इसके ऊपर और यहाँ से रिलीज़ क्लिपिंग मास्क, और सिंपल आपके वापस आप उसी जगह पे आ जाओगे जहाँ से आपने स्टार्ट किया था। ठीक है, तो ये ओवरऑल एक मेथड है आपके आर्ट बोर्ड के ऊपर जो चीज़ें बाहर जा रही हैं उनको हाइड करने का। अच्छा, इसके बाद गाइड का एक स्टूडेंट पूछा था गाइड कैसे क्रिएट करते हैं। Ctrl+R प्रेस करेंगे फॉर द रूलर और यहाँ से क्लिक एंड ड्रैग करेंगे तो आपकी गाइड्स इस तरह आपके पास ऐड होती जाएंगी। ठीक है, इसका हमने बहुत डिटेल के अंदर डिस्कस किया हुआ है कि आप इनको सेलेक्ट करके इनको अरेंज भी कर सकते हैं। यहाँ से अलाइन में जाएँ और उसके बाद आप इसको अलाइन कर सकते हैं, तो बहुत ज़्यादा चीज़ें आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, इनको हाइड और रिमूव करना है, राइट क्लिक करेंगे, लॉक हो जाएंगी गाइड्स, अब ये मूव भी नहीं होंगी और डिलीट भी नहीं होंगी। दोबारा राइट क्लिक करेंगे, यहाँ से आप दोबारा इसको अनलॉक करेंगे गाइड्स को, अब ये अनलॉक हो गई हैं और आप अब इसको यहाँ से मूव कर सकते हो। ठीक है, राइट क्लिक करके आप हाइड गाइड्स करोगे तो ये हाइड हो जाएंगे। ठीक है, तो ये सारी वही चीज़ें हैं। आई होप अब आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा। प्रैक्टिस करते रहा करें, साथ साथ जो चीज़ें रोज़ के पढ़ रहे होते हैं उससे ही होता है कि आपके फिर बाद में इश्यूज़ नहीं आते जब डिज़ाइन कर रहे होते हैं, या एटलीस्ट नोट्स ले लिया करें। ऐसे बैठ कर देखते रहेंगे तो काफ़ी चीज़ें आप मिस कर जाओगे, बाद में याद नहीं रहती। ओके जी, एक और चीज़ थी कि जो हमारे पास मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हैं उनको अगर हम लोगों ने मास्क करना हो इमेज वगैरह के साथ, तो वो कैसे करेंगे उसके लिए मैं आपको मेथड बता देता हूँ। हम फॉर एग्जांपल यहाँ पहले टेक्स्ट लिख लेते हैं। ये सिंपल मैंने एक टेक्स्ट ऐड किया यहाँ पे। मैं इसका फॉन्ट चेंज करता हूँ। ठीक है, यहाँ तक आपको पता है कि कैसे करते हैं, सिंपल मैंने टेक्स्ट लिया है। ठीक है, और उसके बाद इसको मैं कर रहा हूँ आउटलाइन, टाइप में जाके क्रिएट आउटलाइन। ठीक है, इस तरह से आउटलाइन क्रिएट होगी इसकी, और उसके बाद इसको मैं कर रहा हूँ अनग्रुप। अब ये सारे अलग अलग हो गए। ठीक है, अब करना ये आपने कि इन सबको सिलेक्ट करके ऑब्जेक्ट में जाना है, और ये नई चीज़ है कंपाउंड पाथ। ठीक है, इसको आपने एक पूरा कंपाउंड यानी कि एक पूरा ऑब्जेक्ट एक तरह से क्रिएट हो जाएगा, और इस पर क्लिक करेंगे मेक पे, तो इसमें आपको फिजिकली या सामने आपको कोई चेंज नज़र नहीं आएगा। लेकिन आपने करना क्या है, कोई भी इमेज ले लें यहाँ से। ठीक है, अब हम इस सारे को इसके साथ मास्क करेंगे, राइट क्लिक करा और यहाँ से अरेंज और सेंड टू बैक। ठीक है, और इसको मैं कर रहा हूँ यहाँ पे प्लेस ताकि हमें नज़र आए, और उसके बाद आपने इन सबको सिलेक्ट करना है, ऑब्जेक्ट में गए, क्लिपिंग मास्क एंड मेक। ठीक है, अब ये क्या हुआ कि उसने इमेज के साथ इस सारे को फिल कर दिया। पहले हमारे पास इशू ये आ रहा था कि जस्ट एक को हो रहा था, अब यहाँ पे सबको उसने फिल कर दिया। और इसी तरह डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के साथ हम यहाँ से इसकी अरेंजमेंट कर सकते हैं कि किसको हमने विजिबल रखना है और किसको नहीं दिखाना। ठीक है, और ये इस तरह से आपके पास टेक्स्ट आ जाएगा। और रेक्टेंगल बैक पे क्लिक क्रिएट करके देख लेते हैं ज़रा, और क्लियर हो जाएगा कि क्या चीज़ बनी है। इसमें से हम आई गेस वाइट पे ही ज़्यादा क्लियर होगा। हाँ, वाइट पे क्लियर है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग अपने मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट कर सकते हैं। मैं दोबारा एक दफ़ा करके दिखा देता हूँ आपको, जस्ट अ सेकेंड। सर, अगर किसी ऑब्जेक्ट का एंगल फाइंड करना हो किस एंगल पर है तो कैसे करेंगे, मैं अभी ये भी करके दिखा देता हूँ। पहले हम लोग ये दोबारा एक दफ़ा कर लेते हैं। सिंपल सारे को डिलीट करते हैं। यहाँ पे हमने एक टेक्स्ट क्रिएट किया था। ठीक है, फॉर एग्जांपल यही टेक्स्ट है हमारा, इस तरह से। ठीक हो गया, और इसको हमने किया आउटलाइन, टाइप में जाके क्रिएट आउटलाइन। ठीक है, और इसको किया अनग्रुप। ये स्टेप्स याद रखिएगा, बड़ा इजीली काम हो जाएगा। ठीक है, अब सारे अनग्रुप हो गए, अलग अलग हो गए। उसके बाद आपने सबको सेलेक्ट करना है, ऑब्जेक्ट में जाना है और कंपाउंड पाथ में मेक। ठीक है, Ctrl+8 प्रेस करेंगे तब भी हो जाएगा, और वैसे क्रिएट करेंगे तो यहाँ से आके तब भी हो जाएगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट में जाके कंपाउंड पाथ और मेक क्लिक किया, फिजिकल कोई चेंज नज़र नहीं आएगा, जस्ट उसका एक कंपाउंड पाथ क्रिएट हो जाएगा। और सिंपल कोई भी इमेज यहाँ पे आप ला के इस तरह से प्लेस करो। ठीक है, एम्बेड कर लें इसको, अरेंज, सेंड टू बैक। ठीक है, आप इसके ऊपर प्लेस कर लो जिस तरह भी आप चाहते हैं, और उसके बाद सबको सेलेक्ट किया। याद रहे सबको सेलेक्ट करना है, अगर आप सबको सेलेक्ट नहीं करोगे तो ये सारे नहीं काम करेंगे। और सिंपल यहाँ से ऑब्जेक्ट में जाके क्लिपिंग मास्क एंड मेक। ठीक है जी, और इस तरह आपका जो टेक्स्ट है वो इमेज के साथ फिल हो जाएगा। अक्सर लोगों को शौक होता है टेक्स्ट को इस तरह फिल करके देखने का। मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स पे भी इसी तरह काम करेगा। अगर आप मल्टीपल सर्कल्स वगैरह क्रिएट कर रहे हैं, उसमें करना चाह रहे हैं, लोगों में फिल करना चाह रहे हैं। वैसे तो लोगों में हम इमेज फिल नहीं करते, इट्स नॉट अ गुड प्रैक्टिस कि आप इमेज यूज़ करें लोगों में। लेकिन वैसे ही अगर आप ट्राई करना चाह रहे हैं, प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं, तो इस तरह से आप ये मेथड है जिसमें आप यूज़ करेंगे। ठीक हो गया, इमेज टेक्स्ट में नॉर्मली इमेज फिल किया जाता है, किसी पोस्टर में इस तरह से यूज़ हो जाती है चीज़, बैनर वगैरह के अंदर, बट नॉर्मली लोगों में हम ये चीज़ अप्लाई नहीं करते। ठीक हो गया, बाकी इस वीडियो को 2-3 दफ़ा देख के तो आप अपने पास अप्लाई कीजिएगा इन सब स्टेप्स को, तो आपके पास ये चीज़ इसी तरह काम करेगी। ओके, हमने ये चेक करना है कि एक जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है वो किस एंगल पे रोटेट हुआ है। फॉर एग्जांपल मैंने इसको इस एंगल पे रोटेट किया हुआ है, मैं चेक करना चाहता हूँ कि ये किस एंगल पे, ताकि मैं दूसरा ऑब्जेक्ट भी एग्जैक्ट इस एंगल पे ही रोटेट कर सकूँ। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, विंडोज़ में जाते हैं यहाँ से, और हमारे पास ऑप्शन है एक ट्रांसफॉर्म का। ठीक है, ये ट्रांसफॉर्म का ऑप्शन, इस पर क्लिक करेंगे तो इसके अंदर वो तमाम हमें चीज़ें बता रहा है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो किस पोजीशन में पड़ा हुआ है ओवरऑल आर्टबोर्ड में, उसकी विड्थ, उसकी हाइट क्या है। ठीक है, और ये उसका रोटेट एंगल आ रहा है कि किस एंगल पे ये रोटेट हुआ है। तो ये 18 डिग्री के एंगल के ऊपर इसको रोटेट किया गया। ठीक है, आप इसको यहाँ चेंज भी कर सकते हैं और ख़ुद मैनुअली यहाँ पे इंटर भी कर सकते हैं। जैसे मैं इसकी रोटेशन चेंज करूँगा यहाँ से मज़ीद, तो ये देखें वो फ़ौरन से 7 एंगल भी चेंज कर देगा। तो यहाँ से हमें आइडिया हो जाता है कि हमारा जो ओवरऑल ऑब्जेक्ट है वो कैसे रोटेट हुआ है। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप लोग जो गलती कर रहे हैं अभी आपके डिज़ाइन में मैंने देखी है कि आप लोगों का जो टेक्स्ट है वो स्ट्रेच हुआ होता है। ठीक है, मैं आप लोगों के इनबॉक्स में भी बता रहा होता हूँ और आप लोगों के डिज़ाइन जब देखता हूँ तो वहाँ पे भी आपने टेक्स्ट को स्ट्रेच किया। अब स्ट्रेच का क्या मतलब है, अगर फॉर एग्जांपल आपसे गलती से स्ट्रेच हो गया इस तरह से, फॉर एग्जांपल नीचे से आपने पकड़ के इस तरह से ये स्ट्रेच होता है। ठीक है, या दूसरा तरीका स्ट्रेच का ये है कि आपने यहाँ से यूँ करके टेक्स्ट पूरा नहीं आ रहा था, पकड़ा यहाँ से और यूँ पूरा कर दिया, तो ये होता है स्ट्रेच होना टेक्स्ट का। ठीक है, मैं आप लोगों से क्या कहता हूँ कि जब भी आपने टेक्स्ट को बड़ा छोटा करना है तो यहाँ से शिफ्ट प्रेस करके बड़ा छोटा करना है, उससे उसकी ओवरऑल रेशो ख़राब नहीं होती। यहाँ से पकड़ के छोटा करेंगे, यहाँ से करेंगे तो उसकी रेशो ख़राब होगी। अब पता कैसे चलेगा, जी सर ने कह दिया स्ट्रेच हुआ लेकिन मैंने तो स्ट्रेच नहीं किया, सर झूठ बोल रहे हैं। तो अब वो चेक करने के लिए कि सर सच्चे हैं कि झूठे हैं, तो उसका तरीका क्या है कि आपने अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है, जो भी आपने डिज़ाइन क्रिएट किया है उस पर क्लिक करें, टेक्स्ट के ऊपर कैरेक्टर में जाएँ। ठीक है, और यहाँ पे ये 2 ऑप्शंस दिए हुए हैं, इन दोनों का 100% होना ज़रूरी है। ठीक है, ये स्केलिंग है आपकी, वर्टिकल स्केलिंग और हॉरिजॉन्टल स्केलिंग, कि आपका जो टेक्स्ट है वो हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली 100% पे स्केल हो रहा है। अगर मैं कहता हूँ कि ये स्ट्रेच है, ठीक है, तो आपका टेक्स्ट प्रॉबेबली यानी कि हल्का सा, बल्कि है बहुत हल्का सा स्ट्रेच हुआ है। ठीक है, आप कैरेक्टर में आते हैं यहाँ पर तो ये देखें ये 100 है और ये 125% पे जा रही है। ठीक है, तो इसका मतलब ये स्ट्रेच हुआ है। इसको अब स्ट्रेच से हटाने के लिए आप यहाँ पे 100 ऐड कर दोगे। ठीक है, अब ये स्ट्रेच इसका ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, अगर ये हल्का सा भी आप स्ट्रेच करते हो गलती से, मैं कहता हूँ कि नहीं आपको, मुझे लग रहा है कि आपका टेक्स्ट स्ट्रेच हुआ है, तो आप फ़ौरन से डिज़ाइन में जाके यहाँ से कैरेक्टर में जाओगे और फ़ौरन से देख लोगे हाँ यहाँ पे 100% होना चाहिए था, 100% नहीं है जिसकी वजह से स्ट्रेच हो रहा है। ठीक है, तो अगर फॉर एग्जाम्पल आप इस तरफ को स्ट्रेच करते हैं, ठीक है, तो ये वैल्यू चेंज हो रही है। अगर हम स्ट्रेच करते हैं इस तरफ को, सॉरी इस तरफ को देख लेते हैं, मेरे ख्याल में वर्टिकल वाली वैसे चेंज होती नहीं है, एक साइड की जस्ट चेंज होगी। हाँ, ये जस्ट ये वाली चेंज नहीं होगी, ये आपकी साइड चेंज होगी। ठीक है, तो इसलिए आपके पास जब भी इशू आता है इस तरह का कि मैं कहता हूँ आपका जो टेक्स्ट है वो स्ट्रेच हुआ है, तो फ़ौरन से आगे कैरेक्टर में जाएँ और यहाँ से आके अपनी ये वाली वैल्यू चेक कर लें कि 100% होनी चाहिए। अगर 100% है तो फिर आप मुझे कह दें नहीं सर आपको गलती लगी है, टेक्स्ट स्ट्रेच हुआ भी नहीं है, जो कि कभी ऐसा होगा नहीं, क्योंकि मुझे हमेशा टेक्स्ट स्ट्रेच हुआ हो तो मुझे पता चल जाता है कि ये फ़ॉन्ट ऐसा क्रिएट हुआ ही नहीं है। ठीक है, आई होप कि आपको टेक्स्ट स्ट्रेच करने वाला मसला जो है वो समझ आ गया होगा कि टेक्स्ट को आपने कभी भी इस तरह पकड़ के यूं अरेंज नहीं करना, ये इंतहाई बुरी चीज़ है। ग्राफिक डिज़ाइन की दुनिया में इसका मतलब ये होता है कि जब भी आप ये काम करते हैं ना पकड़ के, कभी आपने इमेज को या टेक्स्ट को इस तरह से करके स्ट्रेच किया है, जो कि इंतहाई बुरी चीज़ है। इससे होता क्या है, ग्राफिक डिज़ाइन की दुनिया में कहा जाता है कि जब भी आप यूं करेंगे तो एक डिज़ाइनर मरता है, सिंपल। ठीक है, ये एक मिथ है कि जब भी आप इस तरह करेंगे तो एक डिज़ाइनर मरेगा। पता नहीं मैंने कितने डिज़ाइनर मार दिए हैं इस केस में, लेकिन ऐसा हमें नहीं करना, क्योंकि हम सब डिज़ाइनर हैं और हमने एक दूसरे का ख्याल रखना है। यही बात मैंने एक बैच में एक बच्चे को बताई कि आपने कभी भी इस तरह नहीं करना, उससे डिज़ाइनर मरता है। वो बच्चा मुझे जानबूझ के तंग करने के लिए यूं चेंज करके मुझे वीडियो भेजे और बार बार मुझे पूछे सर आप जिंदा हैं। मैंने कहा इस तरह के बच्चे हमारे पास आते हैं जो चेक कर रहे होते हैं कि सर भी डिज़ाइनर है तो क्या सूरत हाल है। ओके जी, सर मैंने रूलर्स का देखा था, गूगल पे फोटोशॉप पे रूलर्स ऑन ही रहते हैं, लेकिन इलस्ट्रेटर में जब भी यूज़ करने कंट्रोल R से शो करने पड़ते हैं। एक की प्रेस करनी है, कर लें क्या जाता है। ठीक है, कंट्रोल R प्रेस कर भी लें तो कुछ नहीं होता। अच्छा, 2015 में टेक्स्ट शो नहीं हो रहा है सर, माइट भी आपका टेक्स्ट का साइज़ बहुत छोटा होगा, आप टेक्स्ट का साइज़ बड़ा कर लें। ठीक है, कैरेक्टर में जाके वहाँ से चीज़ें सेट हो जाएंगी। सर अलाइन करने के बाद वापस अलाइन को किस तरह ख़त्म करना है? क्रॉस प्रेस करेंगे, टॉप पे क्रॉस का बटन आ रहा हो तो उससे वो बंद हो जाएगा, ना हो तो मुझे इमेज सेंड करेंगे सर इसको मैंने क्रॉस करना है, कैसे होगा? सर ये मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स वाला दोबारा बता दें, ये मैंने वीडियो में बता दिया, 2 दफ़ा देख लीजिएगा। ज़बरदस्त टूल है ये, ठीक हो गया, ठीक हो गया। स्केलिंग कितनी हो चाहिए? 100% दोनों की, ठीक है सर। अगर सिंगल लेटर या सिंगल शेप हो तो अनग्रुपिंग या कंपाउंड पाथ का स्टेप करना जरूरी नहीं? सिंगल के लिए नहीं करेंगे, ठीक है, सिंगल वाला वही मेथड है जो हमने पहले पढ़ा हुआ है, ये मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स के लिए। सर अगर 80x80 होगा तो ठीक होगा? हाँ 80x80 मेरे ख्याल में रहेगा नहीं, 80x80, लेकिन अगर 80x80 है तो वो दोनों सेम है, फिर कोई इशू नहीं है। अच्छा सर, आई फाउंड वन थिंग टू लॉक बैकग्राउंड अदर देन लेयर पैनल, जस्ट गो टू ऑब्जेक्ट सेलेक्ट लॉक एंड देन लॉक द सिंगल और मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स, नो इशू। काम चल रहा है वो ज़रूरी है, ठीक है, आप जो चीज़ चाह रहे थे वो हो रही है, डेट्स फाइन। सर अलाइन पैनल को प्रॉपरली समझा दें, अलाइन करने में प्रॉब्लम होती है, कौन सा बटन सेंटर लाइन का है या साइड लाइन का? इसको हमने वैसे काफ़ी दफ़ा चेक किया है अलाइनमेंट को, मैं एक दफ़ा लास्ट टाइम बता रहा हूँ, आई होप कि लास्ट टाइम ही हो, आपको चीज़ समझ आ जाए। ये देखिए हमने यहाँ पे मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए हैं, ठीक है, और अब हम इनको अलाइन करना चाहते हैं। अब इन सबको आप सेलेक्ट करें और अलाइन में जाके अलाइन टू सिलेक्शन, ठीक है, क्योंकि आपस में अलाइन करना है। अब ये चीज़ समझ कैसे आएगी कि सेंटर कैसे करना है, मिड कैसे करना है? पहली चीज़ ये है कि इन्होंने यहाँ पे बड़े अच्छे आइकन्स क्रिएट किए हैं वैसे, लेकिन अगर समझ नहीं आती तो आप 2-3 अप्लाई करके देखो कि अच्छा ये आपस में सेंटर हो गया, ठीक है, मुझे ये चाहिए था, या आप कहीं और क्लिक कर देते हो, नहीं ये तो नहीं चाहिए था, अंडू कर लें, कोई मसला नहीं। 2-3 दफ़ा गलती करेंगे, आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन सा आइकन किस तरह काम करेगा, ठीक है। उसके अलावा ये इनकी हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन है, ये मिड वाली है, तो इससे ओवरऑल ये देखें अलाइनमेंट आपस में हो गई है। तो ये थोड़ी सी प्रैक्टिस करने से, थोड़ी गलतियाँ करने से आपको आइडिया होगा कि कौन सा आइकन किस तरह काम करता है, ठीक है। अच्छा सर, आई विल ज्वाइन लेटर टुडे, आई नीड सम हेल्प, ठीक है, मैं वीडियो ये शेयर कर दूंगा, लिंक, आप स्ट्रीम ज्वाइन कर लीजिएगा। अच्छा जी सर, फिर टेक्स्ट को मूव कैसे करेंगे? किस टेक्स्ट को मूव कैसे करना है आपने? सर कंपाउंड पाथ क्यों क्रिएट करते हैं? कंपाउंड पाथ से ही होता है कि आपका तमाम जो ओवरऑल ग्रुप है या जो आपने सारे ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए हैं वो मिल के एक तरह से एक ऑब्जेक्ट में डील हो रहे होते हैं कि वो अब एक ऑब्जेक्ट बन चुके हैं, फिर उसके बाद आप उसको सिंपल मास्क कर सकते हैं। अच्छा सर, ये की प्रेस करते कुछ नहीं जाता, मैं बस कंफ्यूज हुई थी बिकॉज फोटोशॉप की आदत है, इट्स फाइन, नो इशू। इलस्ट्रेटर और फोटोशॉप में थोड़े थोड़े फ़र्क है। सर इन अलाइनमेंट्स की शॉर्टकट कीज़ नहीं है? अलाइनमेंट्स की शॉर्टकट कीज़ भी मौजूद हैं, अभी मुझे माइंड में एक्जैक्टली याद नहीं है कि कौन सी अलाइनमेंट की क्या शॉर्टकट की है, क्योंकि मैं ज़्यादा माउस यूज़ करता हूँ। इसमें मेरे ख्याल में इस पर माउस लेके आएंगे, नहीं इसमें नहीं बता रहा, आप यहाँ से एडिट में जाके और कीबोर्ड शॉर्टकट्स, यहाँ से आप मल्टीपल अपनी जो भी अलाइनमेंट वगैरह की चीज़ें हैं यहाँ से आप अपने शॉर्टकट्स वगैरह सेट कर सकते हैं और देख सकते हैं किस चीज़ का क्या शॉर्टकट है, ठीक है, ओके। सर शिफ्ट के साथ टेक्स्ट बड़ा नहीं हो रहा, टेक्स्ट बॉक्स बड़ा हो जाता है जी, वो इसलिए हो जाता है क्योंकि आप लोग टेक्स्ट जो क्रिएट कर रहे होते हैं वो क्लिक करके ड्रैग करके क्रिएट करते हैं इस तरह से। अब जब मैं यहाँ से पकड़ूंगा तो ये जस्ट टेक्स्ट बॉक्स को बड़ा करेगा, टेक्स्ट को बड़ा नहीं करेगा। अगर टेक्स्ट बड़ा करना है तो आपने क्लिक करके छोड़ देना है, अब की बार जब मैं इसको ड्रैग करूंगा तो ये टेक्स्ट को बड़ा करेगा, ठीक है, आपने क्लिक करके ड्रैग नहीं करना, क्लिक करके छोड़ देंगे तो फिर आपका जो ओवरऑल टेक्स्ट है वो बड़ा होगा, ओके जी, ठीक हो गया। अब आ जाते हैं आपके पहले टूल के ऊपर, यहाँ पे ग्रेडियंट्स को देखने, हमने एक स्टूडेंट ने कहा भी था कि एक शेप में मल्टीपल कलर कैसे होते हैं, तो ये हमारे पास लेट से एक शेप है, ठीक है। ग्रेडियंट्स को आपने ध्यान से समझ लेना है, लेकिन अगर आपको ग्रेडियंट्स यूज़ करने आ गए हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने हर जगह ग्रेडियंट्स यूज़ करने हैं। ओवरऑल ग्रेडियंट को यूज़ करना मुश्किल नहीं है, कलर सिलेक्शन बहुत मुश्किल है कि किस कलर को किस कलर के साथ मिक्स करना है, ठीक है, वो एक चीज़ जो है वो थोड़ी सी मुश्किल चीज़ है, ठीक है। अच्छा अब ग्रेडियंट यूज़ कैसे करते हैं, कैसे काम करता है, ग्रेडियंट होता क्या है? ग्रेडियंट का मतलब ये होता है कि आपने एक शेप के अंदर दो कलर किए हैं। अक्सर औकात आपने शेप देखी होंगी या लोगोस वगैरह टेक्स्ट वगैरह देखे होंगे कि जिसके यहाँ पे कलर कोई और होता है, यहाँ पे कलर कोई और होता है। तो वो कैसे चीज़ अप्लाई करते हैं, आप अपनी शेप को सिलेक्ट करोगे, विंडोज़ में जाओगे और यहाँ पे ये ऑप्शन है ग्रेडियंट का, ठीक है, ग्रेडियंट पे क्लिक करोगे तो इस तरह से आपके पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये जो बार बनी हुई थी यहाँ पे, उससे क्या हुआ कि उसने वो सारी जो ग्रेडियंट थी वो आपके यहाँ पे जो भी कलर यहाँ मौजूद था वो इस पर अप्लाई कर दिया। अब इससे क्या हुआ टेक्निकली जो हमें चीज़ चाहिए थी कि हाफ़ में कलर और हो, हाफ़ में कलर और हो, वो चीज़ बन गई है, लेकिन हमें ये कलर पसंद नहीं है, हम ये कलर चेंज करना चाहते हैं। ठीक है, तो सिंपली हम क्या करेंगे, हम यहाँ से ये जो यहाँ पे ग्रेडियंट स्लाइडर दिए हैं उसने, उस पर डबल क्लिक करेंगे, तो इस तरह से हमारे पास एक कलर पैनल ओपन हो जाएगा जिसमें मल्टीपल कलर्स के यहाँ पे ऑप्शंस हैं। ठीक है, आप आई ड्रॉपर से भी कलर ले सकते हो, या चाहें तो यहाँ पे जो कलर ऑलरेडी उन्होंने दिए हुए हैं हम उनसे भी कलर ले सकते हैं। ठीक है, दूसरे स्लाइडर में आपने दूसरा कलर करना है, इस पर डबल क्लिक करेंगे स्लाइडर के ऊपर, और यहाँ से आप दूसरा जो कलर आप सेलेक्ट करना चाहते हैं वो यहाँ से सिंपली आप सेलेक्ट करोगे, जो भी कलर आपको पसंद आता है, और वो कलर आपके इस साइड पे हो जाएगा। ठीक है, साइड पे क्लिक करेंगे, अपना सिलेक्शन टू सेलेक्ट करें, और ये देखें आपके जो चीज़ आपको चाहिए थी टेक्निकली वो चीज़ बन गई है कि यहाँ पे भी एक कलर है और यहाँ पे भी एक कलर है। अब इसकी थोड़ी सी एडजस्टमेंट करनी है, आप थोड़ा चेंज करना चाहते हो तो यहाँ से इन स्लाइडर्स को मूव करके आप कलर की क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं, या इसके अलावा आप यहाँ से मिड से इसको पकड़ के कहाँ पे कलर कितना फिल हो रहा हो, इस तरह से आप एडजस्टमेंट इसकी कर सकते हैं। मज़ीद कलर अगर आप ऐड करना चाहते हैं इसके अंदर, तो यहाँ पर बिल्कुल इस स्लाइडर के नीचे अगर आप आएँगे तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो एक और इस तरह से टॉगल्स ऐड हो जाएंगे। मैं इसको टॉगल का नाम भी देता हूँ, नॉर्मली इलस्ट्रेटर्स को स्लाइडर कहते हैं, जो भी आप ठीक लगे। ठीक है, अब इसके ऊपर डबल क्लिक करूँगा, मैं इसका कलर चेंज कर सकता हूँ, मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा, मैं यहाँ से कलर चेंज कर दूँगा, इस पर डबल क्लिक करें। ठीक है, ये कलर कर लें, तो जो कलर आपको ठीक लगता है आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। अब मसला सिर्फ ये होता है कि आप ये कलर सिलेक्शन पर डिपेंड कर रहा होता है कि आप कितने अच्छे यहाँ पर कलर्स कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इसके बाद आप मूव भी कर सकते हैं स्लाइडर्स को। ठीक है, कलर सिलेक्शन पे सारी गेम है, इस ग्रेडियंट को यूज़ करना कोई बड़ा मसला नहीं है। इनको डिलीट करना है, किसी को भी क्लिक करके डिलीट का बटन प्रेस करेंगे ये डिलीट हो जाएगा। उसके अलावा डिलीट करने का तरीका ये क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो ये इससे बाहर निकल जाएगा। ठीक है, क्लिक करके ड्रैग किया तो इससे बाहर हो गया। ऐड करना है तो क्लिक करेंगे, यहाँ पर टॉगल ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो ये मल्टीपल यहाँ पर ऑप्शंस ग्रेडियंट के हैं, आप कलर्स वगैरह यहाँ से सेट कर सकते हैं। एक चीज़ ये होगी, उसके अलावा ग्रेडियंट के यहाँ पे ऑप्शंस दिए हैं कि आपने रेडियल ग्रेडियंट चाहिए या फ्री फॉर्म ग्रेडियंट चाहिए। ये फ्री फॉर्म है, ठीक है, इसमें आप यूं यूं करके क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, जिस तरह से चाहें। उसके अलावा रेडियल ग्रेडियंट का मतलब ये है कि इस दफ़ा ग्रेडियंट जो है वो सेंटर से बाहर आ रहा है। यहाँ पर अगर हम देखें पहली ऑप्शन के अंदर तो एक तरफ से दूसरी तरफ जा रहा है, यहाँ से शुरू होता है, यहाँ से बाहर निकल जाता है। यहाँ पर क्या है, रेडियल ग्रेडियंट है कि सेंटर से शुरू हो रहा है और इस तरफ को बाहर आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर आपका रेडियल ग्रेडियंट है, फ्री फॉर्म ग्रेडियंट है और लीनियर ग्रेडियंट है। अक्सर औकात कहीं आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो वहाँ पे आपसे पूछा भी जा सकता है कि इलस्ट्रेटर में ग्रेडियंट्स कौन कौन से टाइप के हैं, तो यहाँ पे लीनियर है, रेडियल है और फ्री फॉर्म है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद यहाँ पे स्पेसिफिक एंगल भी दिया है, आपको किसी एंगल के ऊपर आप इसको रोटेट करना चाहते हैं ग्रेडियंट को। ठीक है, यहाँ से वहाँ तक इस तरह से कलर्स जा रहे हैं। ठीक है, और इसके अलावा ओपेसिटी का ऑप्शन हम देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। जो मेन चीज़ है कलर करने का तरीका इसके अंदर कि डबल क्लिक करके एक ऑप्शन यहाँ पे है कि आप स्पेसिफिक कोई कलर कोड यहाँ पे देना चाहते हैं। ठीक है, वो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल हम यहाँ से कलर लेके आते हैं, कोई लेट्स से ये वाला लेते हैं। ठीक है, ये कॉपी किया हमने और अपने इस वाले में हमने पेस्ट कर दिया। ठीक हो गया, एक तरफ हम लोगों ने ये कलर कर लिया, इसको मैं डिलीट करता हूँ यहाँ से, और दूसरे वाले में हम ये वाला कलर लेके आते हैं। ठीक हो गया, तो इस तरह से हमने वो दो कलर ला के इस तरह से ऐड कर दिए हैं। और इसके अलावा आप इसकी जो ओवरऑल एंगल है उसको चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पे एक टूल है, इसको फॉलो मैं बंद करता हूँ। यहाँ से आपने अपनी शेप को सेलेक्ट किया, यहाँ पे एक टूल दिया है ग्रेडियंट टूल। ठीक है, जी से भी वो आ जाता है, इस पर क्लिक करेंगे तो आप यूँ करके ड्रॉ करोगे तो उसका एंगल यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, ये देखें जिस तरफ को मैं ड्रॉ करूँगा एंगल उस तरफ का बन जाएगा, जैसे मर्जी ड्रॉ कर लें, यहाँ से यहाँ को करेंगे, ऊपर से नीचे करें, जिस तरह भी चाहें। या वापस ग्रेडियंट टूल के अंदर आके कलर्स वगैरह यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई क्वेश्चन हो, कोई चीज़ समझ ना आई हो तो पूछ लें। अच्छा, अक्सर औकात लोगों का ग्रेडियंट अप्लाई नहीं हो रहा था, क्यों? क्योंकि उन्होंने यहाँ से जो ग्रेडियंट किया होता है वो स्ट्रोक का किया होता है, उनको लगता है कि मैं ग्रेडियंट अप्लाई कर रहा हूँ लेकिन अप्लाई हो नहीं रहा। मेक श्योर ही कर लें कि यहाँ से आपका फिल सेलेक्ट हो, स्ट्रोक सेलेक्ट ना हुआ, वरना स्ट्रोक में सारे कलर होते जाएंगे। अच्छा, जस्ट अ सेकेंड, ठीक हो गया। सर ये कलर हाफ़ में क्यों हो रहा है? क्योंकि ग्रेडियंट जो होता है वो हाफ ऑफ अप्लाई करता है। अगर आपने हाफ से ज़्यादा में करना है तो यहाँ से इसको मूव करेंगे तो ये हाफ से ज़्यादा में अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हाफ से ज़्यादा में करेंगे तो ये देखें थोड़ा सा लाइट पिंक है, बाकी सारा डार्क पर्पल आ गया। अच्छा जी सर, कोडिंग के थ्रू कलर सेलेक्ट नहीं कर सकते, अभी हमने कर लिया है। ये ग्रैंड मज़े का टूल है प्ले विद कलर्स, ठीक है प्ले करें इसके साथ। सर काइंडली बता दें कि आर्ट बोर्ड के बाहर अगर कोई चीज़ जा रही हो तो उसे कट कैसे करेंगे। आप आज की वीडियो दोबारा देख लीजिएगा, माइट भी आपने मेरे ख्याल में लेट ज्वाइन किया है, ये चीज़ मैंने आज करके दिखा दी है। 2015 में फ्री फॉर्म ऑप्शन नहीं है, नो इशू, अभी न्यू वाले में आ गया है, ठीक हो गया। तो ओवरऑल आप इस तरह से ग्रेड को यूज़ कर रहे होते हैं। एक और जो इससे ज़्यादा प्रैक्टिकल ऑप्शन है ग्रेड यूज़ करने का, यानी कि प्रैक्टिकल मेथड है ग्रेड का, वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि कहाँ यूज़ करते हैं। एक सेकंड, हम यहाँ से लेके आते हैं जी इमेजेस, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक इमेज ऐड किया है, ठीक है, सिंपल मैं इस तरह से डिज़ाइन क्रिएट कर रहा हूँ। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि मैं आपको हाफ आवरली क्रिएट करना बताऊँगा कि वो किस तरह क्रिएट करते हैं, ताकि आपका हाफ इमेज भी नज़र आए और आपका जो ओवरऑल टेक्स्ट है वो भी नज़र आए, ठीक है, इमेज और टेक्स्ट दोनों नज़र आए। फ्री फॉर्म समझ नहीं, फ्री फॉर्म के अंदर ग्रेडियंट जो है आपका सिंपल, जो आप सिंपल इस तरह से मूव करेंगे अपने कर्सर को, वो उसी एंगल के अंदर ग्रेडियंट क्रिएट कर देगा। फ्री फॉर्म नॉर्मली बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता, लेकिन क्योंकि वो ऑप्शन ऐसा इतना क्रिएटिव नहीं है ना, उसमें कोई ज़्यादा मज़े की चीज़ है, लेकिन सिंपल आप कर्सर मूव करोगे इस तरह से तो आपकी ग्रेडियंट जो है वो उसी पाथ के अंदर बन जाएगी। बनती में नॉर्मली लीनियर और रेडियल के अंदर ही है, लेकिन जस्ट थोड़ा सा एंगल का फ़र्क आता है उसमें, ठीक है। अच्छा, इसको इन चीज़ों को अप्लाई करेंगे, आपको ज़्यादा ईजीली आइडिया हो जाएगा। एक चीज़ हम ग्रेडियंट की ओर अप्लाई करके देखते हैं। यहाँ पर मैं एक अब हाफ ओवरले क्रिएट करके दिखा रहा हूँ आपको। एक रेक्टेंगल क्रिएट किया हमने यहाँ पे, ठीक है, और ग्रेडियंट के टूल में गया। इस दफ़ा मैं दोनों साइड्स पे डार्क कलर यूज़ कर रहा हूँ, ठीक हो गया इस तरह से। और उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं एक साइड पे यहाँ पे फॉर एग्जांपल ओपेसिटी कम कर रहा हूँ, ठीक है, इस तरह से ऑलमोस्ट 40% या लेट्स से 30 पे ले आते हैं, ठीक है। 30 पे ओपेसिटी कम की है इस साइड की। ये मैं एक दफ़ा दोबारा भी करके दिखा दूँगा, फ़िलहाल एक दफ़ा देख लें कि हो क्या रहा है। और उसके बाद मैं यहाँ पे टेक्स्ट ऐड करता हूँ, ठीक है, इस तरह से। और एक टेक्स्ट हम और ऐड कर लेते हैं, यहाँ से कैरेक्टर्स बड़े कर लें इसके, और इसको हम करते हैं वाइट, इसमें से थोड़ा टेक्स्ट कॉपी कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा टेक्स्ट है हमारे लिए ये वाला। और इसका फॉन्ट चेंज कर रहा हूँ, जस्ट माइनर फॉर्मेटिंग है, ठीक है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हमने अभी तक नहीं पढ़ी हुई। सिर्फ जो ग्रेडियंट वाला पार्ट है वो मैं आपको करवा देता हूँ कि उसमें क्या किया हमने। ठीक है जी, इस तरह से। अब इसमें क्या है कि एक तरफ हमारे पास टेक्स्ट भी विजिबल है और साथ में हमारे पास इमेज भी नज़र आ रहा है। यहाँ पे हल्का सा वो कलर आ गया, ब्लैक कलर, और यहाँ पे हमारे पास इमेज विजिबल हो रहा है। इसको आप मज़ीद फॉर्मेटिंग दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक जो साइड है उसका बिल्कुल क्लियर कर दें, ठीक है, और दरमियान में एक और ऐड करके और उसकी ओपेसिटी आप 40 पे कर लें, या जिस तरह भी आपको नज़र आए कि हाँ मेरा जो ओवरऑल इमेज है वो विजिबल है। इसके अलावा कलर चेंज कर सकते हैं आप। लेट्स से हम यहाँ पे डार्क ब्लू करते हैं, यहाँ पे पिंक करते हैं, यहाँ पे बिल्कुल लाइट पिंक करके इसको 0% पे कर लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ भी आप बना सकते हैं। ये ओवरऑल आपका ये है कि ज़्यादा क्रिएटिव और ज़्यादा वाइब्रेंट लुक आ गई है इससे, ठीक हो गया। अच्छा, डेट वॉज ईजियर दैन एक्सपेक्टेड जी। शुक्र है कि आप लोगों को चीज़ समझ आ गई है। नॉर्मली लोगों को ये चीज़ बहुत ज़्यादा टेक्निकल लगती है और इतनी जल्दी उनको आइडिया नहीं होता ग्रेडियंट काम कैसे कर रहा है, बट स्टिल जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक एक्चुअल इसकी वर्किंग समझ नहीं आएगी। ये हाफ ओवरले प्लेस करना समझ आ गया है या इसको दफ़ा दोबारा कर लें, जल्दी से बताएं। कब तक होगा टेस्ट? फिर किसका टेस्ट बच्चे? अच्छा, आपस में बात करें, आपस में बात ना करें, इनबॉक्स में बात कर लिया करें। दोबारा कर लें, सेल चलें, दोबारा कर लेते हैं। अच्छा, ये टेक्स्ट मैं ऐसी कॉपी कर रहा हूँ, ये टेक्स्ट आपको ऐड करना आता है, इसको मैं चेंज नहीं कर रहा, ठीक है, इसमें ज़रा टाइम बच जाएगा हमारा। मेन जो चीज़ है वो ओवरले क्रिएट करना है। अभी अगर हम टेक्स्ट प्लेस करते हैं तो टेक्स्ट हमारा आता है इस तरह से, ठीक है, जिसकी वजह से ये जो हमारा बॉडी टेक्स्ट है ये पढ़ा नहीं जा रहा, ठीक है, कि ये क्या हो रहा है। तो इन दोनों को हम यहाँ से मूव करेंगे इस तरह से, ठीक है। और नॉर्मली ये चीज़ यूज़ होती है आपके बैनर्स के अंदर, ठीक है, आप किसी भी वेबसाइट के बैनर क्रिएट कर रहे हो या आप पोस्ट क्रिएट कर रहे हैं, वहाँ पे आप इमेज और टेक्स्ट इकट्ठा दिखाना चाहते हैं, तो वहाँ पे ये हाफ ओवरले क्रिएट होता है। अभी तक जो हमने ओवरले क्रिएट किया था पहले, वो हमने क्रिएट किया था सिंपल यहाँ पे एक शेप क्रिएट करके डार्क उसमें कलर करके, और उसकी ओपेसिटी हम कम कर रहे थे इस तरह से, ठीक है, यहाँ से। और फिर हम क्या करते थे कि अपना जो टेक्स्ट था वो उसके ऊपर टॉप पे रख देते थे यूँ, ठीक है, इस तरह। मैंने ये कहा था कि हमें आपको एक तरीका बताऊंगा जिससे आप हाफ ओवरले क्रिएट कर सकोगे, यानी कि आपका जो इमेज होगा पूरा का पूरा विजिबल होगा, इसमें सारा विजिबल नहीं है, इसमें हल्का सा ऊपर ओवरले आ रहा है। तो उस मेथड के थ्रू क्या होगा कि आपका हाफ इमेज पूरा विजिबल होगा और आपका जो टेक्स्ट है वो इजीली पढ़ा भी जाएगा। तो वो मेथड देख लेते हैं कि वो किस तरह चीज़ अप्लाई होगी। सिंपल यहाँ से आपने अपना जो भी शेप थी वो सिलेक्ट की और विंडोज़ में जाके ग्रेडिएंट सेलेक्ट करेंगे यहाँ से, ठीक है, ये आपका ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपके पास मल्टीपल जो स्लाइडर्स हैं, इनको मैं दोबारा रीसेट कर लेता हूँ, यहाँ पे इसको डिलीट कर दें और इसको भी यहाँ से, ठीक है। इस तरह से हम लोग यहाँ पे जस्ट अ सेकेंड, इनमें से कोई भी हम यहाँ पे ये मेन वाली, ठीक है, इस तरह आपके स्टार्ट में होगी। अच्छा, इसकी ओपेसिटी हमने पहले ही कम की हुई है, वो हम बार रीसेट कर लेते हैं यहाँ से, ठीक हो गया। हमने स्टार्ट में ओपेसिटी कम की थी जिसकी वजह से उसने सारों की ओपेसिटी कम कर दी। आपका ग्रेडिएंट स्टार्ट होगा यहाँ से, ठीक है, बिल्कुल स्टार्ट में। अब हमने क्या करना है कि हम लोगों ने यहाँ पर कलर्स अप्लाई करने हैं। एक तरफ हम कलर अप्लाई करेंगे डार्क, क्योंकि हमारा टेक्स्ट वाइट है, इसके पीछे डार्क कलर आएगा, तो सिंपल यहाँ से कोई भी डार्क कलर आप सेलेक्ट कर लो, ठीक है, इस तरह। दूसरी तरफ हम करेंगे लाइट कलर, ताकि हमारा जो यहाँ पे इमेज है वो विजिबल हो। सिंपल डबल क्लिक करें और कोई भी लाइट कलर, यहाँ पे ये अच्छा नहीं लग रहा है, पिंक थोड़ा सा बेहतर है, ठीक है, इसको अप्लाई करें और ओपेसिटी इसकी फुल ज़ीरो कर लें, जो बिल्कुल राइट साइड पे। उसके बाद यहाँ पे कुछ मज़ीद स्लाइडर्स ऐड कर लें, ठीक है। और आपने करना ये है कि आपकी यहाँ से स्टार्ट होगी डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि 100% यहाँ होगा, 100 से कम यहाँ ओपेसिटी होगी, 100 उससे कम यहाँ पे, उससे कम यहाँ, और यहाँ बिल्कुल ज़ीरो, ठीक है, 100 यहाँ पे और ज़ीरो यहाँ पे। अब इसके दरमियान में जितनी भी चीज़ें हैं उनकी ओपेसिटी आपने कम करते जाना है। अब मैंने जब ऐड किया ऑलरेडी उसने कम कर दिया। फॉर एग्जांपल यहाँ देखें ये 100 है, इस पर क्लिक करता हूँ तो 93% है, इस पर 64, 22 और यहाँ पर ज़ीरो, ठीक है। आप मैनुअली एडजस्ट करना चाहो, थोड़ा सा कम ज़्यादा करना है, यहाँ से आप कम ज़्यादा कर सकते हो। साथ साथ यहाँ पर आप देखते भी जाएँ कि क्या चीज़ अप्लाई हो रही है, ठीक है। मैं नॉर्मली ये करता हूँ कि मैं जो सबसे यहाँ पे 100% होता है उसको भी थोड़ा सा कम कर लेता हूँ, ताकि इसके पीछे वाली चीज़ भी थोड़ी सी नज़र आए, ठीक है। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपका इमेज कौन सा है और आप क्या चीज़ अप्लाई करें, लेकिन मेथड इसका यही होगा कि आप मल्टीपल स्लाइडर्स ऐड करके एक सीमलेस किस्म की ग्रेडिएंट ऐड कर सकते हो। जितनी ज़्यादा यहाँ पर स्लाइडर्स होंगे, आपका ओवरऑल जो ग्रेडिएंट है वो उतना सीमलेस यहाँ पर शिफ्ट हो रहा होगा। जितने कम यहाँ पर स्लाइडर ऐड करोगे, फ़ौरन से एक शिफ्ट नज़र आएगा कि अच्छा यहाँ पे ये कलर ख़त्म हो रहा है और यहाँ पे ये कलर शुरू हो रहा है। मेरे नज़दीक सबसे अच्छा जो ग्रेडिएंट क्रिएट होता है वो आसमान पे क्रिएट होता है, वो खालिक है, वो क्रिएट कर सकता है। और उसमें सबसे एक देखने वाली चीज़ ये होती है कि वहाँ पे आप बता नहीं सकते कौन सा कलर कहाँ ख़त्म हो रहा है, कहाँ पर शुरू हो रहा है। कभी शाम के टाइम आप आसमान की तरफ देखेंगे तो ऑरेंज कलर और ब्लू कलर वो आपस में इस तरह से मिक्स हो रहे होते हैं कि आँख बता नहीं सकती कहाँ पर कौन सा कलर ख़त्म हो रहा है, ठीक है। तो इंस्पायरेशन आप वहाँ से लें ग्रेडिएंट की, ताकि आप उस तरह कलर्स यूज़ कर सकें। ओके जी, अब आ जाते हैं वापस आप लोगों के कमेंट्स के ऊपर। ठीक हो गया। स्लाइडर कैसे ऐड हुए सर? सिंपल यहाँ पे मैं नीचे जैसे माउस लेके आता हूँ, ये ख़ुद से यहाँ पे मुझे ऑप्शन दे देता है स्लाइडर ऐड करने का, ठीक है। क्लिक करता हूँ, स्लाइडर यहाँ पे ऐड होते जाते हैं। सर ये कलर बार पे पॉइंट कैसे क्रिएट हुए हैं? ये स्लाइडर्स हैं, ठीक है। सिंपल मैं नीचे लेके आता हूँ, यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो स्लाइडर ऐड करता जाता है। ठीक हो गया। तो ये आपका ओवरऑल हाफ ओवरले का एक मेथड है कि जिस तरह आप ये क्रिएट कर सकते हैं। तो कभी कहीं समझ ना आए कि इमेज और टेक्स्ट को कैसे एडजस्ट करना है, तो इस तरह से आप लोग इमेज और टेक्स्ट के ऊपर नीचे रख के और उसके बाद ओवरली क्रिएट करके क्लाइंट को दे सकते हैं, जो कि देखने में किसी हद तक अच्छा लगता है। यहाँ टॉप पे आप उसका लोगो भी ऐड कर सकते हैं। मैं आपको एक सिंपल थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ कि ओवरऑल इसका लेआउट कैसे बनेगा, ठीक है। यहाँ पे उसका इस तरह से थोड़ा बहुत लोगो आ जाएगा टॉप पे, और नीचे यहाँ पे आप उसका जो भी वेबसाइट वगैरह है वो ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे चल के हम पढ़ेंगे तो उसमें और ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि हम लोगों ने ओवरऑल ये लेआउट कैसे क्रिएट करने हैं, टेक्स्ट कहाँ पे रखना है, बॉडी टेक्स्ट कहाँ पे रखना है, लोगो कहाँ पे रखना है। तो वहाँ पे आपको चीज़ें ये वाली क्लियर हो जाएंगी। ठीक हो गया, ओके। तो आई एम श्योर के ग्रेडियंट्स आपको किसी हद तक समझ आ गए होंगे। इसको मैं यहाँ से मार्क कर देता हूँ। ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है जी किसको देखें, इरेज़र देख लेते हैं पहले जल्दी से। इरेज़र टूल कैसे काम करता है, हम यहाँ पे पहले एक सिंपल शेप क्रिएट करते हैं इस तरह से, ठीक है। ये मैंने एक शेप क्रिएट की है। इरेज़र टूल के नाम से पता चल रहा है कि ये किसी चीज़ को सिंपल इरेज़ करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। अब कैसे काम करेगा ये, यहाँ पे आपके पास इरेज़र टूल दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। इस बिल्कुल ब्रश के नीचे शिफ्ट ई प्रेस करेंगे तब भी आ जाएगा, ठीक है। इस पर क्लिक किया, लेकिन इसको यूज़ करने से पहले हमेशा आपने याद रखना कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो सिलेक्टेड हो। ऑब्जेक्ट सेलेक्ट नहीं होगा तो इरेज़र टूल को पता नहीं चलेगा आपने किस ऑब्जेक्ट पे ये अप्लाई करना है। तो इसलिए जब भी इरेज़र टूल यूज़ करना है आपने अपने ऑब्जेक्ट को पहले सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद इरेज़र टूल पे क्लिक करना है और सिंपल आपने यहाँ से इस तरह से इरेज़र अप्लाई करनी है। इरेज़र अप्लाई करेंगे क्या होगा कि आपका जो ओवरऑल ऑब्जेक्ट है वो हाफ में इस तरह से कट हो जाएगा। आप जिस तरह चाहें इसको कट कर सकते हैं, सिंपल आप चाहें यूँ 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 करके कट कर लें, आपका जो ऑब्जेक्ट है वो इसी तरह कट हो जाएगा। सिंपल इसको आप यहाँ से यूँ अलग अलग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक मेथड है सिंपल इरेज़र यूज़ करने का। याद रहे कि जब भी इरेज़र यूज़ करना है आपके ऑब्जेक्ट में स्ट्रोक नहीं होना चाहिए। स्ट्रोक ज़ीरो करके आपने ऑब्जेक्ट पे इरेज़र अप्लाई करना है। अगर उसका स्ट्रोक होगा तो मैं दिखाता हूँ क्या होगा। ये अब इसमें हमने स्ट्रोक ऐड कर दिया है। अब जब मैं इरेज़र अप्लाई करूँगा इसके अंदर तो मेरे दोनों साइड्स पर स्ट्रोक भी आ जाएगा, ठीक है। तो अक्सर बच्चे कहते हैं कि सर मैं इसमें अप्लाई कर रहा हूँ लेकिन मेरा स्ट्रोक आ रहा है साथ। तो स्ट्रोक इसलिए आ रहा होता है क्योंकि आपके ऑब्जेक्ट में स्ट्रोक है। आप ऑब्जेक्ट का स्ट्रोक ख़त्म कर दोगे और सिंपल फिल के साथ अब इसको अप्लाई करेंगे ऐसे, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब आपकी जो चीज़ है वो इस तरह से कट डाउन हो जाएगी, ठीक है। मल्टीपल जगह पे यूज़ होता है। शिफ्ट ई है जी इरेज़र का शॉर्टकट, ठीक है। तो सिंपल जो इसका काम है नॉर्मली ट्रेसिंग में भी यूज़ होता है कि आप कोई चीज़ क्रिएट कर रहे हैं और फालतू आपने हल्का सा कोई शेप क्रिएट कर दी है तो माइनर से एडिटिंग के लिए आप यहाँ से जाके इरेज़र टूल से सेटिंग कर सकते हैं। इसको इरेज़र को बड़ा करना छोटा करने का भी ऑप्शन है। आपके पास ये की एक जो ब्रैकेट की होती हैं उसको प्रेस करेंगे तो आपका जो इरेज़र है वो बड़ी हो जाएगी, और लेफ़्ट ब्रैकेट प्रेस करेंगे तो आपकी जो इरेज़र है वो छोटी हो जाएगी। आपके राइट कॉर्नर में नज़र आ रहा होगा मैं कौन सी की प्रेस कर रहा हूँ, ये ब्रैकेट की है, ठीक है। मैं बार बार इसको प्रेस करूँगा ताकि ये बड़ी हो जाए और यूँ इस तरह करेंगे तो छोटा हो जाएगा। ये देखें इस तरह से। अब इसको मैं यहाँ से मूव करूँगा तो ये इस तरह से कट कर देगा, ठीक है। अच्छी बात यह है कि इसको स्मूथ कट करता है, ऐसी रफ़ कटिंग नहीं है इसकी। अगर मैं इसको छोटा करूँ देखिएगा, अगर मैं यहाँ इसको मूव करता हूँ इस तरह से, ये देखिए ख़ुद से उसके अंदर थोड़ा सा स्मूथ कर रहा है पाथ को। अगर मैं यूँ करके इसमें कट करता हूँ, ये देखें इस पाथ को खुद से स्मूथ किया अपने एंड पे। तो उससे फ़ायदा ये होता है कि आपकी जो ओवरऑल इलस्ट्रेशन है वो ख़राब नहीं होती जब आप इस पर कटिंग कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये एक मेथड है आपका इरेज़र टूल का। इसके अलावा भी इसके अंदर टूल मौजूद हैं। सीज़र टूल है। सीज़र टूल नॉर्मली आपके जो पाथ होता है उस पर यूज़ होता है, ठीक है। इससे ये है कि आपका पाथ जो है वो कट हो जाएगा। ये आपके पाथ को इस तरह से कटिंग वगैरह के अंदर यूज़ हो रहा होता है, या आप इसके अलावा इसके अंदर ला के यूँ पाथ के अंदर अप्लाई करेंगे इस तरह से। देखें कटिंग वगैरह कर रहे हैं, बट ये ज़्यादा क्लियर तब होता है जब आप इसको स्ट्रोक के अंदर देखेंगे। यहाँ से मैं स्ट्रोक ऐड करता हूँ, ठीक है। ये देखें इसने यहाँ से स्ट्रोक कट कर दिया। जब हमने उस पर अप्लाई किया सीज़र को तो यहाँ से स्ट्रोक कट कर दिया। उसको दोबारा से इसको फिल कर देते हैं, यहाँ से आप देखते हैं, ठीक है। अब अगर आप देखोगे किधर गया, यहाँ पर, ठीक है। तो अब मैं इसको कटिंग करता हूँ यहाँ से और यहाँ से, तो ये देखें इसने इसकी भी कटिंग कर दी है, ठीक है। ये देखें हाफ ऑफ कटिंग यहाँ से होगी। तो ये आपका ओवरऑल जो मेथड है सीज़र का, ये यहाँ से यूज़ होगा, ठीक है। सीज़र बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होती नॉर्मली, आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से वैसे भी इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कभी किसी पाथ को अगर आपने कट करना हो तो सिंपल यहाँ से सीज़र टूल लें, ये यहाँ से ईजिली इस तरह से कटिंग आपको दे देता है, ठीक है। लेकिन ये काम सिर्फ पाथ के ऊपर करेगा, अलग किसी जगह पे नहीं करेगा। जहाँ जहाँ आप पॉइंट सेलेक्ट करोगे वहाँ वहाँ आपकी ये कटिंग कर देगा और आपके पाथ को इस तरह से अलग अलग कर देगा, ठीक है। ओके जी। इसके अलावा नाइफ टूल है इसके अंदर। नाइफ टूल बहुत ज़्यादा कहीं यूज़ होते देखा नहीं मैंने। नॉर्मली आपका इरेजर टूल इसमें यूज़ होता है। नाइफ टूल का ये कि वो स्ट्रोक के साथ आपको कटिंग करके देगा। अगर मैं इसको अप्लाई करता हूँ इस तरह से, तो अब इसकी मैं अगर अलग अलग करता हूँ, ये देखें इस तरह से आपको ऑलमोस्ट इरेजर टूल की तरह, लेकिन इसमें ये होता है कि ये वो हल्का सा स्ट्रोक साथ दे देता है आपको। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा डिटेल इलस्ट्रेशन जो क्रिएट करते हैं वहाँ पर इनका यूज़ होता है। लेकिन अगर आप नॉर्मली इरेजर टूल और सीजर टूल यूज़ कर लेते हैं, इरेजर टूल आपके फिल को कट करेगा, सीजर टूल आपके स्ट्रोक को कट करेगा। ठीक है, बस ये चीज़ याद रखिएगा, दोनों का डिफरेंस आपके लिए ईजी हो जाएगा। नाइफ जो है वो दोनों के साथ काम कर रहा होता है, लेकिन नाइफ टूल जो है वो नॉर्मली कोई भी डिज़ाइनर पसंद नहीं करता, क्योंकि ये इतना ज़्यादा फ्लो में एक्यूरेट नहीं है। ठीक है, और दूसरा ये स्मूथ नहीं है जितना आपके पास इरेजर स्मूथ है। ठीक है, इरेजर की कटिंग जो है वो बहुत स्मूथ होती है। देखें, खुद से उसने पाथ को स्मूथ किया, और जो काम है नाइफ नहीं करती, तो इसलिए थोड़ा सा दोनों में फ़र्क है। सीजर टूल याद रहे कि आपके पास स्ट्रोक के ऊपर या हम आउटलाइन पे अप्लाई कर रहे होते हैं, डायरेक्ट फिल में अप्लाई नहीं होगा। ये इरेजर टूल जो है वो हम लोग फिल में अप्लाई कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये दोनों का काम है। चीज़ समझ आ गई तो बता दें, नहीं समझ आए दोबारा देख लेंगे। अच्छा सर, अलग शेप को सेपरेट कलर भी कर सकते हैं बाद में? जी, वो दोनों अलग अलग शेप्स बन गई। अब ये भी अलग शेप है, ये भी अलग शेप। अब इसमें चाहें कलर कर लें कोई और इस तरह से। ठीक है, तभी दोनों शेप्स अलग अलग हो गई हैं। ओके सर, ब्रश टूल ट्राई किया था तो उसके साथ भी इलस्ट्रेटर यही कह रहा था, लाइन स्मूथ आउट हो जाती है ख़ुद से। ठीक है जी, बिल्कुल। ब्रश टूल अप्लाई करते हैं तो आपका इलस्ट्रेटर ख़ुद ब खुद उसको स्मूथ कर रहा होता है। बाकी आप सेटिंग वगैरह करके उसको और बेहतर कर सकते हैं। ब्रश टूल नॉर्मली फ़ोटोशॉप में ज़्यादा यूज़ होता है, लेकिन इलस्ट्रेटर के अंदर भी इलस्ट्रेशन में आप उसको अप्लाई कर सकते हो। ओके, यहाँ से हमने इरेजर टूल जो है वो सीख लिया है। नेक्स्ट हमारे पास है जी पेन टूल। पेन टूल को देख लेते हैं, ये थोड़ा सा आप लोगों के लिए न्यू चीज़ है। इसको देखने के लिए हम जाते हैं जी इलस्ट्रेटर में वापस, और आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। पेन टूल को कोई चीज़ समझ ना आए तो बताइएगा। याद रहे कि ये जो पेन टूल है, ये आपके लिए एक पेंसिल पकड़ के, जैसे हमने बचपन में लिखना सीखा था, ये सिंपल उसी तरह से आपके पास पेन टूल भी काम करेगा। जैसे हम लोगों ने बचपन में सिंपल राइट हैंड से लिखना सीखा, और हमारी राइटिंग अच्छी नहीं थी, करते करते कुछ बच्चों की अभी तक हैंड राइटिंग अच्छी नहीं, लेकिन कुछ की अच्छी हो गई है। तो प्रैक्टिस से चीज़ आती है, कितनी आप राइटिंग करते हो। सेम चीज़ याद रहे, पेन टूल आपको प्रैक्टिस से आएगा। ऐसा नहीं है कि आप पहली दफ़ा अप्लाई करें और आपसे सीधी लाइनें नहीं लग रही, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे इससे, तब तक आपका पेन टूल सही से काम नहीं करेगा। दूसरी चीज़, पेन टूल हमेशा आपका माउस से काम करेगा। अगर आप लैपटॉप वाले ट्रैक पैड के साथ पेन टूल यूज़ करोगे तो वो इतना अच्छा अप्लाई नहीं होगा, कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज़ आप मिस कर जाओगे। ठीक है, हमेशा या तो आपके पास माउस पैड होना चाहिए, और सॉरी माउस होना चाहिए, जिससे आप सिंपल कोई भी काम कर रहे होते हैं, उसी से आपका पेन टूल यूज़ होगा। इसके अलावा ग्राफिक टैबलेट होता है जो कि पेन की तरह होता है, और आप उससे ईजीली यूज़ कर रहे होते हैं। तो याद रहे कि आप लोगों ने माउस के साथ करना है, या ग्राफिक टैबलेट अगर किसी के पास है तो कर ले, वरना ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कोई भी माउस जो आपका लैपटॉप का ट्रैक पैड है, उसके साथ ना अप्लाई करें, वरना उसके साथ आपका पेन टूल इतना अच्छा काम नहीं करेगा, क्योंकि उसके अंदर जो क्लिकिंग वगैरह होती है वो साथ साइमल्टेनियसली अप्लाई नहीं हो रही होती। ठीक है, तो इसलिए आप वहाँ पे लैग कर सकते हो। अच्छा, मैं आप लोग कमेंट्स देख लूँ, रिपीट कर दें, वीडियो दोबारा देख लीजिएगा। ना अप्लाई हुआ तो कल बताइएगा, मैं कल करवा दूँगा। मैं बहुत डिटेल के अंदर इरेजर करवा दिया है। सर, इरेजर का साइज़ छोटा बड़ा भी कर सकते हैं? बच्चे, अगर आप ये लेक्चर देख रहे थे तो उसमें मैंने करके दिखाया आपको साइज़ छोटा बड़ा, और साइज़ छोटा बड़ा कर सकते हैं। वीडियो दोबारा देखिएगा, आपको पता चल जाएगा कैसे करते हैं। ठीक है, अच्छा ठीक हो गया। जिन लोगों ने अटेंडेंस मार्क कर दी है वो दोबारा ना मार्क करें, मेरे ख्याल में तो ये जस्ट उनके लिए है कि जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है वही अटेंडेंस दोबारा मार्क करेंगे। ठीक है, जिन्होंने ऑलरेडी मार्क कर दी है उसकी ज़रूरत नहीं। अच्छा सर, आपके पास ग्राफिक टैबलेट है? मैं इलस्ट्रेशन ज़्यादा क्रिएट नहीं करता, ना मैं कोई आर्टिस्ट हूँ, इसलिए मैंने ग्राफिक टैबलेट यूज़ नहीं किया, ना मैं करता हूँ। मैं ज़्यादा कॉर्पोरेट सेक्टर का जो डिज़ाइन होता है उस पर काम करता हूँ, तो इसलिए मेरे पास ग्राफिक टैबलेट की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं यूज़ नहीं करता। ओके, अच्छा जी, अब आ जाते हैं पेन टूल की ओर। पेन टूल जी यहाँ पे हमने काफ़ी दफ़ा देखा है, पड़ा हुआ, लेकिन अभी तक हमने इसको उठा के नहीं देखा ये काम कैसे करता है। सिंपल इस पर क्लिक करेंगे और पेन टूल इसका इस तरह से कर्सर हमारे पास पेन बना हुआ आ जाएगा। अब बात यह है कि पेन टूल यूज़ क्यों होता है। सिंपल जो पेन टूल का पर्पज़ है वो ये है कि ये आपकी हेल्प करता है कस्टम शेप्स क्रिएट करने में। ठीक है, आपने कोई भी कस्टम शेप क्रिएट करनी है जो कि शेप ऑलरेडी इलस्ट्रेटर में मौजूद नहीं है, तो आप उसके थ्रू पेन टूल के थ्रू ये चीज़ क्रिएट कर सकते हो। इसके अलावा हमने पाथ फाइंडर में देखा था कि पाथ फाइंडर में मल्टीपल शेप्स को आप मिक्सअप करके एक ओवरऑल जो भी शेप है वो क्रिएट कर सकते हैं, ज्वाइन कर लें, इंटरसेक्ट कर लें, उस तरह से आप लोग शेप्स क्रिएट कर रहे थे। बट पेन टूल में ये ऑप्शन है कि आप पेन की तरह इसको यूज़ करते हुए और कोई भी शेप क्रिएट करना चाहते हैं तो वो क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अब क्रिएट होती किस तरह से, याद रहे पेन टूल को यूज़ करने से पहले कुछ इसके प्री रिक्विजिट हैं जो आपने अप्लाई करने हैं। उसमें सबसे पहली चीज़ ये है कि आपका जो फिल हो वो नील हो, फिल नहीं होना चाहिए आपका। ठीक है, क्यों नहीं होना चाहिए मैं आपको करके दिखाऊंगा, उसकी वजह आपको समझ आ जाएगी। और दूसरा आपका जो स्ट्रोक हो वो थोड़ा सा आपका स्ट्रोक होना चाहिए ताकि आपको चीज़ नज़र आ रही हो कि आप क्या बना रहे हैं। ठीक है, तो ये दो चीज़ें हैं कि आपका जो ओवरऑल फिल है ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये बिल्कुल ज़ीरो करें। ठीक है, और उसके अलावा आपका जो स्ट्रोक है वो इतना होना चाहिए कि आपको वो नज़र आए कि आप क्या बना रहे हैं। अब पेन टूल काम कैसे करता है, पेन टूल में हम सिंपल क्लिक करके छोड़ देंगे तो इस तरह से हमारे सामने वो हमसे पूछेगा कि आपने एक एंकर पॉइंट क्रिएट कर दिया है, नेक्स्ट एंकर पॉइंट आप कहाँ क्रिएट करोगे। हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि लाइन की डेफिनेशन ही ये है कि वो दो एंकर पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही होती है। यहाँ पे एक पॉइंट है, ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट जब मैं क्रिएट करूँगा तो इस तरह से एक लाइन क्रिएट हो जाएगी जो कि यहाँ से लेके यहाँ तक है, इस एंकर पॉइंट तक। वो दोबारा मुझसे पूछ रहा है कि नेक्स्ट एंकर पॉइंट कहाँ ड्रॉप करना है ताकि नेक्स्ट लाइन क्रिएट हो जाए। मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो उसने इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक एक और लाइन क्रिएट कर दी है। बचपन में आपने गेम खेली होगी पॉइंट्स ज्वाइन करने वाली, ये ऑलमोस्ट उसी तरह से है। ठीक है, तो अब मैं नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्रिएट करता हूँ, किसी भी जगह पे आप फॉर एग्जांपल यहाँ पॉइंट क्रिएट कर देते हैं तो एक और लाइन क्रिएट हो जाएगी। और वापस जहाँ से आपने शुरू किया था उस पर आप माउस ले के आओगे। अभी मैं क्लिक नहीं कर रहा, जस्ट माउस ले के आ रहा हूँ यहाँ पे, तो वो माउस कर्सर चेंज कर रहा हूँ, मुझे एक सर्कल सा बना के दिखा रहा है कि यहाँ पे आपकी शेप कंप्लीट हो रही है। ठीक है, इस पर मैं क्लिक करूँगा और अब ये मेरी शेप कंप्लीट हो गई है। अब वो मुझसे नहीं पूछ रहा कि आपने नेक्स्ट जो लाइन है वो कहाँ क्रिएट करनी है। ठीक है, और मैं इस तरह से ये इस पूरी शेप को यूज़ कर सकता हूँ। इसमें चाहूँ यहाँ से मैं कलर कर सकता हूँ और जिस तरह भी यूज़ करना चाहें। इसके अलावा आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के साथ कोई भी एंकर आपने किसी गलत जगह पे लगा दिया है तो आप उसको इस तरह से रोटेट करके या मूव करके दोबारा से एडिट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक सिंपल मेथड है पेन टूल को यूज़ करने का। बट नॉर्मली हम इतनी ज़्यादा सिंपल शेप्स पेन टूल से क्रिएट कर नहीं रहे होते, तो थोड़ी सी डिफ़िकल्ट शेप्स होती हैं वो किस तरह क्रिएट होती हैं उसको दोबारा से देख लेते हैं। अब मैं आपको पेन टूल यूज़ करके दिखाऊंगा फिल के साथ। हमने फिल ज़ीरो नहीं किया, हम उसको उसी तरह यूज़ करेंगे, तो देखते हैं क्या होता है। अब जब मैं इस तरह से क्रिएट कर रहा हूँ तो ये देखें वो साथ साथ फिल किए जा रहा है। ठीक है, जैसे जैसे मैं शेप क्रिएट कर रहा हूँ वो उसी के साथ साथ फिल किए जा रहा है, इसलिए हमें पता नहीं चल रहा कि मेरा एग्जैक्टली स्ट्रोक कहाँ पर आ रहा है। ठीक है, तो इसलिए हम हमेशा अपने इस फिल को यहाँ से ख़त्म कर लेते हैं और स्ट्रोक को थोड़ा सा रखते हैं ताकि मुझे अपनी लाइंस नज़र आती रहें कि वो किस तरह कहाँ पे लग रही हैं। अब अक्सर बच्चे मुझे कहते हैं कि सर हमें मैं पेन टूल यूज़ तो कर रहा हूँ लेकिन मुझे नज़र नहीं आ रहा कि मैं क्रिएट क्या कर रहा हूँ, मेरी शेप गायब हो जाती है। वो गायब इसलिए होती है क्योंकि आपने यहाँ स्ट्रोक भी ख़त्म किया होता है। अब जब मैं यहाँ से यूँ करके क्रिएट करूँगा कुछ भी तो ये देखें मैंने इसको बंद किया और ये शेप गायब होगी। क्यों गायब होगी? क्योंकि स्ट्रोक था ही नहीं उसका। तो इसलिए आप इसको स्ट्रोक देंगे तभी आपको नज़र आएगा आपने क्या चीज़ क्रिएट की है। तो इसलिए जब भी आपने इलस्ट्रेटर यूज़ करना पेन टूल यूज़ करना है तो आपका स्ट्रोक यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, ये एक सिंपल तरीका था पेन टूल को हमने यूज़ करने का। अब थोड़ी कम्प्लेक्स शेप अगर फॉर एग्जांपल आ जाती है तो वहाँ पे हम लोग पेन टूल किस तरह यूज़ करेंगे। कम्प्लेक्स शेप के अंदर नॉर्मली कर्व्स वगैरह होते हैं, कर्व का मसला आता है, स्ट्रेट लाइन तो आप क्रिएट कर ही सकते हो। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक कमेंट है क्या पेन से हम सिंपल स्ट्रेट लाइन लगा सकते हैं। अच्छा, स्ट्रेट लाइन मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ। ये फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पे क्रिएट कर दी, एक स्ट्रेट लाइन होगी। अब मसला ये है कि ये पेन टूल मेरी जान नहीं छोड़ रहा कि मैं कोई और टूल यूज़ कर सकूँ, ये मुझे छोड़ नहीं रहा। उसका तरीका ये है कि सिंपल स्केप प्रेस करेंगे आप, टॉप लेफ़्ट कॉर्नर में आपके पास की होती है, स्केप प्रेस करेंगे पेन टूल आपकी जान छोड़ देगा। ठीक है, अब आप वापस जाके कोई भी किसी भी तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, लेट्स से आप ये लाइन क्रिएट की है और आप यहीं से कंटिन्यू करना चाहते हैं जहाँ पे आपने अपने पाथ को छोड़ा था। उसके लिए क्या करेंगे, पेन टूल में गए और जहाँ पे लास्ट आपने छोड़ा था वहीं से आप स्टार्ट करोगे और वहीं से नेक्स्ट स्टेप दोबारा से कंटिन्यू हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से दोबारा देख लें। हम सिंपल यहाँ से इस तरह से एक लाइन क्रिएट कर रहे थे। ठीक है, और स्केप प्रेस करके हमने इसका ये जो पूछ रहा है हमसे कि नेक्स्ट पाथ कहाँ क्रिएट करना है, या फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, अब मैं इसको छोड़ना चाह रहा हूँ, मैं सेव प्रेस करूँगा तो इस तरह से मुझे ये छोड़ देगा। ठीक है, ये अब इसने हम बिल्कुल छोड़ दिया और हम इजीली काम कर सकते हैं यहाँ से और जो भी चाहें। लेकिन अगर आप इसी शेप को यहाँ से कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आप दोबारा से यहाँ पर क्लिक करोगे, सॉरी इससे पेन टूल से यहाँ पे दोबारा क्लिक करेंगे और मैं यहीं से दोबारा से कंटिन्यू करके इसको क्लोज़ कर दूँगा। ठीक है, तो ये एक तरीका है शेप क्रिएट करने का। और अगर आप फॉर एग्जांपल, अच्छा एक बड़ी ज़रूरी चीज़ है कि फॉर एग्जांपल मैं पेन टूल यूज़ कर रहा था, इस तरह से करते करते मैंने एक क्लिक जो है वो गलत कर दिया है और ये लाइन फजूल में बन गई है। अब एक स्टेप मैं पीछे कैसे जाऊँगा, कंट्रोल जेड प्रेस करेंगे तो आप एक स्टेप पीछे आ जाओगे, दोबारा अनडू करते करते आप जितने स्टेप्स पीछे जाना चाहो आप जा सकते हैं। ठीक है, कंट्रोल जेड प्रेस करके, तो कोई परेशानी वाली बात नहीं, क्यों गलत आपने कहीं पे क्लिक कर दिया है तो सिंपल अनडू कर सकते हैं आप इस तरह से। तो ये चीज़ें थी स्ट्रेट लाइन के साथ। अगर आप स्ट्रेट लाइन यूज़ करते हुए कुछ क्रिएट कर रहे हैं तो बड़ा इजीली आप क्रिएट कर सकते हैं स्ट्रेट लाइन के साथ। जहाँ पे मुश्किल आती है, क्योंकि मैंने पेन टूल का आपको कहा थोड़ी सी मुश्किल चीज़ है, प्रैक्टिस से आएगी, तो अभी तक तो स्ट्रेट लाइन्स क्रिएट करती है तो कोई मुश्किल नहीं है। मुश्किल क्या चीज़ है, कर्व क्रिएट करना। ठीक है, वो आता है प्रैक्टिस के साथ। प्रैक्टिस के साथ जितना आप ज़्यादा अप्लाई करोगे इसको उतना अच्छा आप कर्व क्रिएट कर सकोगे। अब कर्व क्रिएट होता किस तरह से, सिंपल हमने यहाँ पे एक लाइन लगाई यहाँ तक। ठीक है, अब नेक्स्ट हमें चाहिए एक कर्व, कि हम स्ट्रेट लाइन नहीं चाहते, यहाँ तक मैं एक कर्व क्रिएट करना चाहता हूँ। तो कर्व क्रिएट करने के लिए मैं क्या करूँगा, पहले मैं लाइन क्रिएट करने के लिए क्लिक करके छोड़ रहा था तो वो मुझे नेक्स्ट लाइन का पूछ रहा था। अब की बार मैं क्लिक करके छोड़ूंगा नहीं, मैं क्लिक करके ड्रैग करूँगा। मैं क्लिक करके ड्रैग करता हूँ तो ये देखें इस तरह से वो कर्व एक क्रिएट कर रहा है। और कर्व किस तरफ क्रिएट कर रहा है, जिस तरफ मैं अपना माउस लेके जा रहा हूँ उसकी ऑपोजिट साइड पे कर्व क्रिएट हो रहा है। अगर मैं माउस ड्रैग करके इस तरफ लेके जाता हूँ तो कर्व मेरा इस तरफ क्रिएट हो रहा है। ठीक है, ये देखें इस तरह से मेरे पास वो कर्व क्रिएट कर रहा है। और अगर मैं छोड़ देता हूँ यहाँ पर माउस तो उसने एक कर्व यहाँ पर इस तरह से क्रिएट कर दिया। लेकिन साथ ही अब की बार वो क्या कर रहा है कि वो उसको लग रहा है कि अब मैं कर्व ही क्रिएट करूँगा दोबारा भी, तो उसने अब की बार जो पाथ दी है वो कर्व ऑलरेडी बना हुआ है। ठीक है, ये देखें अब की बार जो मेरी लाइन है वो खुद ब खुद कर्व में आ रही है। तो मैं यहाँ से दोबारा से भी यूँ करके एक कर्व क्रिएट कर सकता हूँ। ठीक है, ये देखें इस तरह से मेरे पास एक कर्व मज़ीद आ गया। लेकिन अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर कर्व नहीं क्रिएट करना चाहता था, ये मुझे ज़बरदस्ती कर्व बनवा रहा है, मुझे कर्व नहीं चाहिए यहाँ पर, तो मैं दोबारा अपने पहले वाले डॉट पर या पहले वाले एंकर पॉइंट पर क्लिक करूँगा और ये देखें अब मुझे वापस स्ट्रेट लाइन दे रहा है। ठीक है, अब मैं इसी तरह स्ट्रेट लाइन लेके कंटिन्यू करते हुए यहाँ पे आऊँगा। ठीक है, और अब की बार दोबारा से मुझे कर्व क्रिएट करना है तो मैं यहाँ पे क्लिक किया और नेक्स्ट यहाँ पे क्लिक करके ड्रैग करूँगा तो जिस तरफ मुझे कर्व चाहिए उस तरफ मैं यहाँ पे कर्व क्रिएट कर सकता हूँ इस तरह से। ठीक है, ये अब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप प्रैक्टिस के साथ करोगे तो आपको कर्व वगैरह क्रिएट करना आएगा। ये देखें दोबारा से मुझे वो कर्व क्रिएट करना है, कह रहा है कि नहीं जी कर्व क्रिएट करो। मैं दोबारा वापस आके एंकर पॉइंट पे क्लिक करूँगा और अब दोबारा से मैं यहाँ से कंटिन्यू कर सकता हूँ। ठीक है, इस तरह। और ये अजीबोगरीब सी आपके पास एब्स्ट्रैक्ट आर्ट क्रिएट हो जाएगी और ये आप इस तरह से कर्व्स वगैरह क्रिएट कर सकते हो। कर्व्स को थोड़ा सा और आसान समझने के लिए हम यहाँ पे थोड़ी सी गाइड्स क्रिएट करते हैं। ठीक है, मैं हल्का सा यहाँ पर इन सबको डिलीट करते हैं। मैं हल्का सा आपको थोड़ा सा एक इन्वायरमेंट क्रिएट कर देता हूँ अलाइन में जाके, और अलाइन टू सिलेक्शन करेंगे इसको और इसको हम यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, और इसके बाद इसी तरह से यहाँ पे भी इनको अलाइन कर लेते हैं, अलाइन टू सिलेक्शन और वर्टिकल अलाइनमेंट। ठीक हो गया, ये सिंपल मैंने यहाँ पे गाइड्स क्रिएट की हैं। आई होप कि गाइड्स आपको नज़र आ रही होंगे, गाइड क्रिएट करना भी आपको आती है। मैंने सिंपल यहाँ पे अलाइन किया उनको और इस तरह से यहाँ पे मेरे पास बॉक्सेस आ गए। सबसे अच्छी जो प्रैक्टिस है इसकी न्यू लोगों के लिए, जो न्यू बिगनर्स है बिल्कुल, जो स्टार्ट कर रहे हैं पेन टूल, वो इस तरह से गाइड्स क्रिएट करके और फिर उसके साथ आप अप्लाई कर सकते हैं। पहले इसको करें लॉक, गाइड्स लॉक करें ताकि मूव ना हो। ठीक है, यहाँ तक अगर आपको चीज़ में कोई इशू है कि गाइड्स कैसे क्रिएट किए, 3 गाइड मैंने क्रिएट किए हैं वर्टिकली, 3 किए हैं हॉरिजॉन्टली और तीनों को आपस में अलाइन कर दिया इस तरह के ऑलमोस्ट इनके दरमियान में बॉक्सेस क्रिएट हो जाएं। ये बॉक्सेस माइट भी एग्जैक्ट विड्थ और हाइट के ना हों, बट जस्ट थोड़ा सा ऑलमोस्ट कोशिश की है कि स्क्वायर बन जाए। ठीक है, अच्छा अब आ रहे हैं वापस पेन टूल के ऊपर और मेक श्योर कर लें कि आपका स्ट्रोक जो है वो थोड़ा सा इतना हो कि आपको विजिबल हो। ठीक है, अगर आपने देखना हो कि कितना है आप यहाँ पर चेक भी कर सकते हो। हाँ ठीक है, इतना स्ट्रोक काफ़ी है, ओके अच्छा, अब हमने पेन टूल यहाँ सेलेक्ट कर लिया और अब की बार मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं सिंपल किसी भी एक पॉइंट से स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, मैं लेट से इस कॉर्नर से स्टार्ट करता हूँ, यहाँ से शुरू किया और यहाँ पे लाके क्लिक करके ड्रैग कर रहा हूँ शिफ्ट प्रेस करके। ठीक है, शिफ्ट प्रेस करके मैं इतना ड्रैग करता हूँ कि नेक्स्ट वाली गाइड को मैं यहाँ से टच कर रहा हूँ। ठीक है, और छोड़ दिया। नेक्स्ट आके मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ क्योंकि वो कर्व मुझे खुद से दे रहा है नेक्स्ट बनाने के लिए। मैंने यहाँ पे क्लिक किया इस तरह से। ठीक है, और अब वो मुझे कर्व नहीं दे रहा क्योंकि मैंने ऑलरेडी दो कर्व क्रिएट कर लिए। दोबारा से कर्व क्रिएट करने के लिए मैं यहाँ पे क्लिक करके ड्रैग करूँगा। परेशानी होना, मैं चीज़ें दोबारा आपको दिखाऊंगा कैसे बनी है। ठीक है, शिफ्ट प्रेस करके इसको मैं इतना ड्रैग कर रहा हूँ, देखें इस तरह से जो यहाँ पे मुझे हैंडल्स दे रहा होता है उन हैंडल्स को मैं शिफ्ट प्रेस करके यहाँ तक लेके आता हूँ तो ये एक और कर्व बन गया। और अब दोबारा से यहाँ पे लाके क्लिक कर दूँगा तो ये इस तरह से मेरे पास एक टेढ़ा मेढ़ा सा सर्कल क्रिएट हो जाएगा। सर्कल क्यों एग्जैक्ट नहीं है? क्योंकि हमारे जो स्क्वेयर्स हैं उनमें थोड़ा सा डिफरेंस है जिसकी वजह से इस सर्कल जो है हल्का सा ओवल शेप का है। ठीक है, ये इस तरह से हमारे सामने एक शेप क्रिएट हो जाएगी। इस शेप को मैं साइड पर रख रहा हूँ, मैं आपको इसको दोबारा थोड़ा सा दिखाऊँगा कि इसको और बेहतर कैसे कर सकते हैं। तो हमने क्या किया कि हमने यहाँ पे थोड़ी सी इस तरह से गाइड्स क्रिएट की हैं। ये मैं एक दफ़ा दोबारा दिखा दूँ, फिर मैं आपके कमेंट्स पे आता हूँ। हमने क्या किया कि हमने यहाँ से पेन टूल सेलेक्ट किया। ठीक है, मैं ये प्रैक्टिस के लिए करवा रहा हूँ, कोई हम बहुत ज़्यादा डिटेल इलस्ट्रेशन नहीं क्रिएट करें, ये जस्ट फॉर द प्रैक्टिस है। ठीक है, मैंने क्या किया कि मैं सिंपल यहाँ से पेन टूल सेलेक्ट किया और किसी एक पॉइंट से, किसी भी पॉइंट से आप स्टार्ट कर सकते हो। एक पॉइंट से मैंने सेलेक्ट किया, ठीक है, और दूसरे पॉइंट यानी कि उसके ऑपोजिट पॉइंट तक गया यहाँ पे। और अब मैं क्लिक करके ड्रैग कर रहा हूँ। क्लिक करके जब ड्रैग करता हूँ तो एग्जैक्ट एक लाइन पे लाने के लिए मैं शिफ्ट प्रेस करता हूँ ताकि बिल्कुल एक लाइन पे लेके आए। और कितना इसको बड़ा करूँ जहाँ तक ये मेरे पास नेक्स्ट लाइन आ रही है। ठीक है, ये एक कर्व क्रिएट हो रहा है। ठीक है, अच्छा, और उसी के बाद जब एक कर्व मैंने क्रिएट कर लिया तो मुझसे पूछ रहा है कि आपने नेक्स्ट कर्व भी क्रिएट करना है। और मैंने नेक्स्ट कर्व क्रिएट करना है क्योंकि मैं एक सर्कल क्रिएट कर रहा हूँ, उसमें होते ही कर्व्स हैं। ठीक है, और यहाँ पे लाके मैं छोड़ दूंगा तो उसने एक और कर्व मेरे पास यहाँ पे क्रिएट कर दिया। नेक्स्ट कर्व के लिए मैं इस दफ़ा उसी के ऑपोजिट पॉइंट पे जाऊँगा, यहाँ पे क्लिक करके ड्रैग करूँगा शिफ्ट के साथ। ठीक है, और इतना ही इसको ड्रैग करूँगा ताकि वो दोनों पॉइंट्स को टच कर ले जो उसका हैंडल है। ठीक है, यहाँ तक उसने दोनों पॉइंट्स को टच किया और अब वो पूछ रहा है कि नेक्स्ट भी आपने कर्व क्रिएट करना है, तो हमने कर्व क्रिएट करना है और यहाँ पर ला के हम इस तरह से छोड़ देंगे। आज आपने कोशिश करनी है कि एटलीस्ट ये चीज़ आप क्रिएट कर लो ताकि आपको थोड़ा सा जो इसके कर्व्स वगैरह हैं उनका आइडिया हो जाए कि ओवरऑल ये किस तरह से काम करते हैं। अच्छा, अब किसी पॉइंट के ऊपर आपको टेंशन है कि ये मेरे पास जो हल्का सा पॉइंट है, मैं यहाँ इसको हाइड कर लेता हूँ पहले गाइड्स को। ठीक है, अच्छा, अब मुझे लग रहा है कि मेरे पास जो ये वाला एरिया है यहाँ पे हल्का सा जो कर्व है वो ठीक से नहीं बना। ठीक है, थोड़ा सा मुझे यहाँ पर फ़र्क लग रहा है क्योंकि हमारा स्ट्रोक ज़्यादा था जिसकी वजह से ये सही से यहाँ पर कर्व नहीं आया। तो उसके लिए यहाँ पर उन्होंने टूल दिया हुआ है हमें जिसका नाम है स्मूथ टूल। ठीक है, ये इसके नीचे शेप बिल्डर टूल के नीचे, शेपर टूल के नीचे, सॉरी, यहाँ पे ये स्मूथ टूल है। ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे और आपने अपनी शेप पे इस तरह से इसको अप्लाई करना है। ठीक है, याद रहे जब भी इसको अप्लाई करना है आपकी शेप सेलेक्ट हुई हो। अगर शेप सेलेक्ट नहीं है तो ये अप्लाई नहीं होगा। और बेहतर ये कि आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इसको सेलेक्ट करें अपनी शेप को और स्मूथ टूल सेलेक्ट करते हुए जहाँ पर आपको लगता है कि सही से कर्व नहीं बना वहाँ पर इस तरह से इसको अप्लाई करेंगे तो वो उसको सही कर देगा। आपने देखा उसने क्या किया, यहाँ पहले देखें तो 1, 2 और 3 पॉइंट्स से, एंकर पॉइंट से मैं जैसे ही यहाँ पे अप्लाई करता हूँ कि मुझे लग रहा है ठीक से नहीं बना हुआ, वो वहाँ पे खुद से एंकर पॉइंट्स ऐड करके इस कर्व को ठीक कर देगा और हमें खुद से कुछ नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, हमने जस्ट स्मूथ टूल को कहा कि ये एरिया थोड़ा स्मूथ नहीं है और हमने सिंपल अपनी चीज़ को सिलेक्ट किया डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से और स्मूथ टूल अप्लाई किया उस पॉइंट के ऊपर और वो खुद से वहाँ पर एंकर पॉइंट्स ऐड करके उस चीज़ को स्मूथ कर देगा। ठीक है, तो ये स्मूथ टूल का फ़ायदा है कि कहीं पे आपसे सही से पेन टूल अप्लाई नहीं हुआ, आपकी जो लाइन थी वो सही से कर्व नहीं बना, तो आप स्मूथ टूल को अप्लाई करके उसको सीधा कर सकते हैं। बट बहुत ज़्यादा स्मूथ टूल पे आपने डिपेंड नहीं करना कि मैं टेढ़ी मेढ़ी लाइनें बना लेता हूँ फिर स्मूथ टूल सीधी कर लूँगा। जो पेन टूल यूज़ करने का गोल्डन रूल है वो ये है कि आपके पॉइंट्स कम होने चाहिए। जितने कम पॉइंट्स आप क्रिएट करोगे, जितने कम एंकर पॉइंट क्रिएट करोगे, आपकी जो शेप है वो उतनी स्मूथ बनेगी, उसको हैंडल करना उतना आसान है। जितने ज़्यादा शेप्स आप क्रिएट करोगे, सॉरी, जितनी ज़्यादा आप एंकर पॉइंट्स क्रिएट करोगे, फिर आपके लिए उतना उसका हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, मैं अब डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इस इमेज को, सॉरी, इस ऑब्जेक्ट को थोड़ा चेंज करना चाहता हूँ तो ये देखें उसके अंदर इतने ज़्यादा एंकर पॉइंट्स बन चुके हैं कि मुझे पहले इसको यहाँ से मूव करना पड़ेगा, फिर हल्का सा इस वाले को मूव करना पड़ेगा, फिर इसको मूव करना पड़ेगा, तो ये फिर सारे मुझे मूव करने पड़ेंगे। ठीक है, लेकिन जब तक मेरे पास 4 एंकर पॉइंट्स थे ठीक है, तब मेरे लिए मूव करना इतना मसला नहीं था। मैं जस्ट एक एंकर पॉइंट यहाँ सेलेक्ट करता था तो ये चीज़ यहाँ से इस तरह से मूव हो जाती थी। ठीक है, तो कोई इतना बड़ा मसला नहीं था मेरे लिए चीज़ों को मूव करना। ठीक है, तो ये अब ईजी है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे स्मूथ टूल अप्लाई कर देता हूँ इस जगह पे, तो ये देखें अब एंकर पॉइंट ज़्यादा हो गए हैं। अब मैं अगर इसको मूव करूँगा यहाँ से एक एक एंकर पॉइंट को, तो ये देखें अलग अलग हर चीज़ मूव हो रही है और चीज़ ख़राब हो सकती है। ठीक हो गया। अब मैं आता हूँ आपके कमेंट्स के ऊपर। यहाँ पे कोई चीज़ समझ नहीं है तो बताएं, फिर हम एक शेप जो है उसको ट्रेस करके देख लेते हैं। अच्छा जी, ठीक हो गया। सर इलस्ट्रेटर में उर्दू टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हैं? उर्दू टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, बट उसके लिए आपको एक अलग सॉफ्टवेयर चाहिए जिसके बाद आप अरेबिक टेक्स्ट या उर्दू टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। उस सॉफ्टवेयर का नाम इन पेज है। इन दोनों का कम्बिनेशन यूज़ करते हुए आप क्रिएट कर लेते हो। अच्छा, ठीक हो गया। सर इस कोर्स की ई बुक होनी चाहिए, आप ही पब्लिश कर दें, मार्केट में छा जाएगी। जी ना, मुझे कोई शौक है बुक लिखने का, ना मैं कोई इतना बड़ा फिलोसोफर हूँ जो किताब लिख सकूँ। किताब लिखना कोई इतना आसान काम नहीं है। सेकेंडली, किताब लिखने के लिए आपको बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए होता है। ठीक है, और ग्राफिक डिज़ाइनिंग की नॉर्मली जो बुक्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा चलती नहीं है। उसकी वजह ये है कि दिन ब दिन टूल्स चेंज हो रहे होते हैं, ट्रेंड चेंज हो रहा होता है, और मुश्किल से कुछ 6 महीने बाद आपकी जो बुक है वो ऑब्सलीट हो जाती है, आउटडेटेड हो जाती है, जिसकी वजह से लोग उसको ख़रीदते नहीं, क्योंकि उसके अंदर सारी पुरानी बातें लिखी होती हैं। तो इसलिए कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं है। क्या पेन से हम स्ट्रेट लाइन क्रिएट कर सकते हैं? हमने क्रिएट कर ली है। सर किस तरह से ख़त्म करना है? एस्केप प्रेस करेंगे, आपका जो पेन टूल है वो चला जाएगा। यस सर, प्रैक्टिस मैन मेक मैन परफेक्ट। ठीक है जी। सर कर्व क्रिएट करने के बाद नेक्स्ट स्ट्रेट लाइन के लिए एंकर पॉइंट पे क्लिक करने का शॉर्टकट है क्या? इसका शॉर्टकट नहीं है, आप सिंपल माउस से क्लिक किए जा रहे हो। इससे ज़्यादा शॉर्ट कुछ नहीं होगा कि एक ही बटन से आप सारे काम करें। तो क्लिक करके ड्रैग कर रहे हैं, और कोई इसका शॉर्टकट की क्या होगी? माउस से काम करें आप। अच्छा सर पेन टूल को यूज़ करने के बाद ख़त्म कैसे करना है? एस्केप प्रेस करेंगे, आपके पास ख़त्म हो जाएगा। सर प्रोफेशनल ग्राफिक डिज़ाइनिंग में पीसी से काम ठीक होगा? प्रोफेशनल ग्राफिक डिज़ाइनिंग में पीसी से काम ठीक होगा, मतलब समझ नहीं आई मुझे। लैपटॉप और पीसी का कंपेयर कर रहे हैं किस तरह से? सर पाकिस्तान में उर्दू इंस्टॉलर से भी उर्दू लिख सकते हैं? मल्टीपल मेथड्स हैं, आप किसी भी तरह से उर्दू कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक हो गया। ठीक है जी, हम लोगों ने यहाँ पे एक कर्व क्रिएट करके देख लिया है, एक शेप क्रिएट करके देख लिया। अब आते हैं थोड़ी सी डिफिकल्ट शेप के ऊपर। ये मैंने इसके ऊपर आपको स्मूथ टूल करवाना था, वो हमने कर लिया है। अच्छा, मैं यहाँ पे लेके आता हूँ जी एक शेप, यहाँ पे हमारे पास पड़ी हुई थी ये। ठीक है जी, लेट्स से हमारे पास प्रैक्टिस के लिए, फॉर द प्रैक्टिस हमारे पास एक लोगो है जो कि हमें लगता है कि ब्लर है। ब्लर क्यों है? क्योंकि ये पिक्सल से बना हुआ है, इसको जब हम बड़ा छोटा करते हैं तो ये ब्लर हो जाता है। क्लाइंट ये कहता है कि मुझे ये जो लोगो है, ठीक है, इस लोगो को वेक्टर में चाहिए ताकि मैं इसको बड़ा छोटा करूं, इसको यूज़ करूं तो ये शार्प रहे, ये ख़राब ना हो। ठीक है, अभी ये क्या है? ये पिक्सल्स में है। हम उसको देंगे SVG फॉर्मेट के अंदर, स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक फॉर्मेट के अंदर, ताकि वो उसको जैसे यूज़ करना चाहे यूज़ करे। उसको बड़ा करना चाहता है बड़ा करे, छोटा करना चाहता है छोटा कर ले, जैसे यूज़ करना चाहे कर सकता है। बिलबोर्ड पे यूज़ करना है, सोशल मीडिया पे यूज़ करना है, वेबसाइट पे यूज़ करना है, तो ईज़िली वो उसको यूज़ कर सके। ठीक है, अभी नहीं कर सकता क्योंकि इस लोगों को जब वो बड़ा करता है तो ये ब्लर हो जाता है। ठीक है, तो हम उसकी हेल्प करेंगे कि हम इस रास्टर को या इस इमेज को कन्वर्ट करेंगे वेक्टर के अंदर अपने पेन टूल को यूज़ करते हुए। ठीक है। अच्छा सर MS वर्ड में भी उर्दू लिख सकते हैं? अगर वहाँ से कॉपी पेस्ट कर लें तो ये टेक्स्ट फॉन्ट लॉक करना लाजमी है? नहीं, वर्ड से नहीं आएगी। इन पेज के साथ आप सिंपल इन पेज उर्दू इलस्ट्रेटर लिखेंगे, यूट्यूब के ऊपर मल्टीपल वीडियोज़ मिल जाएंगी, वहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा उर्दू कैसे लिखते हैं। सर आर्ट बोर्ड और कैनवस को लॉक करने की की नहीं होती क्या? की होती है, आई गेस F12 है या इस तरह से की है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। उससे आपका ये इमेज वगैरह लॉक हो जाता है। इसके अंदर मुझे देखना पड़ेगा कि एग्जैक्टली की क्या है। की ज़रूर मौजूद है, आई एम नॉट श्योर, F12 आई गेस। ठीक है, ओके। अच्छा, अब इसके अंदर हम लोगों ने ये इमेज ऐड कर दिया है और उसको हम लोगों ने कन्वर्ट करना है आपके पॉइंट्स के अंदर या वेक्टर ग्राफिक के अंदर। तो किसी भी चीज़ को ट्रेस करने का एक मेथड है, थोड़ा सा देख लीजिएगा कैसे यूज़ करते हैं, उस मेथड को कैसे करेंगे। और ये आज की आपके असाइनमेंट भी है कि आपने एक इमेज को ट्रेस करना है, वो कोई भी लोगो हो सकता है, कोई भी इमेज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन एटलीस्ट एक को आपने ट्रेस करना है, तो आप लोगों ने यही मेथड यूज़ करते हुए उसको ट्रेस करना होगा। सो इसलिए मैं आप लोगों को ये चीज़ करवा रहा हूँ। सो करना किस तरह से, आपने सिंपल अपने इमेज को सेलेक्ट करना है, ठीक है, और सबसे पहले उसकी ओपेसिटी कम कर देनी है, ताकि जब हम इसके ऊपर कुछ ट्रेस कर रहे हैं तो हमें नज़र आ रहा हो कि हमारा जो पॉइंट है वो कहाँ पे है, ठीक है। तो सिंपल यहाँ से हम लोग इस तरह से इसको इतना कर लेंगे कि हमें चीज़ नज़र भी आती रहे और इतनी कम भी ना हो कि नज़र आ ही ना, ठीक है। मैंने यहाँ पे इसको कर ली है ताकि ये मुझे इमेज जो है वो नज़र आता रहे। सेकेंड जो हमने काम करना है वो हम लोगों ने लेयर्स में जाके अपनी जो हमने इमेज ऐड किया है उसको लॉक कर लेना है, जो रिसेंट हमने यहाँ पे इमेज ऐड किया है। मैं यहाँ से पहले अपनी जो गाइड्स हैं उनको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, ताकि मेरे लेयर पैनल में ना आए। ठीक हो गया, यहाँ से मैंने इमेज को लॉक कर दिया ताकि मैं जब इसको काम कर रहा हूँ इसके ऊपर तो ये हिले ना अपनी जगह से। क्यों? क्योंकि ट्रेसिंग के अंदर जब इसको मूव कर रहे होंगे या आप पेन टूल यूज़ कर रहे होंगे, अगर हल्का सा आपका ऑब्जेक्ट मूव हो गया तो आपकी सारी ट्रेसिंग इफेक्ट हो जाएगी। आपको दोबारा से जहाँ पे मूवमेंट हुई है उसको इमेज को दोबारा प्लेस करना पड़ेगा, माइट भी आपकी उससे ट्रेसिंग ख़राब हो जाए। सो इसलिए ये पहले कुछ स्टेप्स हैं जो मैंने आपको बताए हैं, जो मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। जस्ट अ सेकेंड, मैं यहाँ से एक दफ़ा दोबारा कर देता हूँ क्योंकि ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, आप लोगों ने ये चीज़ अप्लाई करनी है, ठीक है। सो करना क्या है, आपने सिंपल अपना इमेज ऐड किया इसके ऊपर, इसको यहाँ से एम्बेड कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ आपने ओपेसिटीज़ की कम करनी, इतनी कम करनी है कि आपको नज़र आए, ठीक है। यह ना हो कि बिल्कुल ही गायब हो जाए, आपको नज़र आता रहे, इतना काफ़ी है, ठीक है। और इसके बाद आपने जो नेक्स्ट काम करना है, ये बहुत कम हो गया, ठीक है। नेक्स्ट जो चीज़ आपने करनी है, आपने इसको सिंपल लेयर्स में जाके इसको लॉक कर लें, ठीक है। लेयर लॉक नहीं करनी वरना कुछ भी अप्लाई नहीं होगा, इमेज को लॉक करना है। और अब आप इसको मूव नहीं कर सकते। अब आपने सिंपल अपने जो इमेज है उसको यहाँ से आपने ट्रेस करना शुरू करना है। उससे पहले मैं कमेंट्स पे आ जाता हूँ। सर जैसे कुछ लोग टैबलेट यूज़ करते हैं ग्राफिक के लिए, तो बेस्ट प्रैक्टिस पीसी पे होगी। जो ग्राफिक टैबलेट है वो लोग यूज़ करते हैं जिनकी स्केचिंग बहुत अच्छी होती है, ठीक है। वो फिर ग्राफिक टैबलेट को यूज़ कर रहे हैं ताकि वो लाइव स्केचिंग जो है वो इलस्ट्रेटर के अंदर ही कर लें। अगर आप ग्राफिक टैबलेट अफोर्ड नहीं कर सकते लेकिन आपकी स्केचिंग अच्छी है, तो आप स्केचिंग पेपर पे करें और उस स्केचिंग को लेके आएँ अपने आर्टबोर्ड के अंदर और वहाँ पे उसको ट्रेस कर लें। इनकी वीडियोस मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा ताकि आपके लिए चीज़ें और ज़्यादा इजी हो जाएं, ठीक है। सर इमेज नहीं, आर्टबोर्ड को लॉक करना है। बच्चे, आर्टबोर्ड को हम कभी भी लॉक नहीं करते। अगर आप आर्टबोर्ड को लॉक कर दोगे तो आपका कुछ भी काम नहीं करेगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ से इसको लॉक कर देता हूँ पूरे को, तो ये देखें अब मुझे कुछ भी नहीं करने देगा, ठीक है, ना मैं इसके ऊपर कोई चीज़ ड्रॉ कर सकता हूँ। तो आर्टबोर्ड को हम लॉक नहीं करते, हमेशा लेयर्स को लॉक करते हैं। ओके जी, लाइव ट्रेसिंग किस लिए यूज़ होती है? आप किसको लाइव ट्रेसिंग कह रहे हो? अच्छा जी, सर इस काम के सिर्फ $10 ही मिलते होंगे, आई थिंक कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें आपकी क्रिएटिविटी कुछ भी नहीं है। आपको टूल यूज़ करना आता है, वो टूल अप्लाई कर रहे हो और चीज़ बना रहे हैं। इस चीज़ के ज़्यादा पैसे कब मिलते हैं? जब आपने लोगो खुद क्रिएट किया हो, यानी कि स्केच बनाया हो लोगो का और ख़ुद ट्रेस करके आप उसको कम्प्लीट करो, क्योंकि ये जो हम काम सीख रहे हैं ये लोगो डिज़ाइन में यूज़ होगा। जब आप लोगों के स्केचेस बनाओगे, रफ से स्केचेस क्रिएट करोगे, उनको ट्रेस करोगे और फिर फाइनल डिज़ाइन करोगे, तो वहाँ पे आपको $100 या $500 मिलते हैं जब आप अच्छा लोगो क्रिएट करते हैं। कब क्रिएट कर सकते हैं? जब आपको पेन टूल आता होता है। जिस बच्चे को पेन टूल नहीं आता वो लोगो डिज़ाइन के अंदर लैग करता है। ऐसा नहीं है कि पेन टूल के बगैर लोगो नहीं बन सकता, बट उतना अच्छा नहीं बन सकता जितना अच्छा आप पेन टूल को यूज़ करते हुए बना सकते हैं। अच्छा, ठीक हो गया। सर ये तो वाटर मार्क भी बन सकता है। हाँ, इसको आप वाटर मार्क कह सकते हो, लेकिन फ़िलहाल हम वाटर मार्क नहीं बना रहे हैं। सर लोगो विदाउट बैकग्राउंड नहीं होता या कोई भी आइकन हो, मैंने आपको कहा है कि आप SVG में डाउनलोड किया करें, ठीक है। सर वाटर मार्क का भी बता दें। ये सिंपल हमने ओपेसिटी कम कर दी इमेज की तो वाटर मार्क बन गया, ठीक है। सर हम पेन टूल से अपनी इमेज भी ट्रेस कर सकते हैं? इसी तरह आप अपनी फ़ोटो को ट्रेस कर सकते हैं पेन टूल को यूज़ करके, ये हो सकता है, लेकिन आपने अपनी फ़ोटो से शुरू नहीं करना। आपने सिंपल इमेज़ से शुरू करना है, और फिर जब पेन टूल आपको समझ आ जाए उसके बाद आप फिर जो है इलस्ट्रेशन स्टार्ट कर सकते हैं अपने फ़ोटो के ऊपर या अपने इमेज के ऊपर। मैं वीडियोस शेयर करूंगा आपके साथ ताकि आप बेशक पूरा वीक अप्लाई करते रहें चीज़ें, लेकिन वो सीख जाएं आप, ठीक है। ओके, अब आ जाते हैं आपके सिंपल इस इमेज के ऊपर। इसको हम ट्रेस करते हैं। इसमें अगर हम देखें तो दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक इसका लीफ है और एक नीचे ये एप्पल है। ठीक है, तो बारी बारी अलग अलग दोनों को हम अप्लाई करेंगे। स्टार्ट करते हैं मुश्किल वाली चीज़ से, एप्पल से। ठीक है, तो हम लोगों ने पेन टूल यहाँ से सिलेक्ट किया और आपने मेक श्योर कर लेना आपका जो स्ट्रोक है वो इतना हो कि आपको वो नज़र आ रहा हो। ठीक है, और किसी भी जगह से आप शुरू कर सकते हो, कोई एक गोल्डन रूल नहीं है, कोई ज़रूरी चीज़ नहीं है कि आपने एक तरह से शुरू करना है और किसी तरह से शुरू नहीं कर सकते। जहाँ से आपको ईजी लगे, जहाँ से आपका हाथ बैठा हुआ है, आप वहाँ से शुरू कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल शुरू कर रहा हूँ तकरीबन जी इस जगह से। ठीक है, और सिंपल क्लिक करके और आपने इसके ऊपर ट्रेसिंग करते जाना है। अब अगर हम देखें यहाँ पे तो ये इस तरह से कर्व क्रिएट हो रहा है और मुझे भी इसी के साथ साथ यहाँ पे एक कर्व क्रिएट करना है। तो कर्व क्रिएट करने का एक तरीका क्या है, अब हमने एक गोल्डन रूल पढ़ा हुआ है कि जितना कम हम एरिया कवर करें और जितने कम हम एंकर पॉइंट्स क्रिएट करें उतना बेहतर है। ठीक है, तो मैं एक जस्ट फॉर चेकिंग, ठीक है, इस तरह कभी भी नहीं हो कि आपने एक जगह स्टार्ट कर दी है और एक जगह क्लिक कर दिया तो बस वो परफेक्ट होगा। अब मल्टीपल पॉइंट्स के ऊपर ला के इसको चेक करोगे कि यहाँ ठीक बनता है, यहाँ ठीक कर्व बनता है, जहाँ आपको लगे कि आप ठीक कर्व बन रहे हैं वहाँ आप उसको ओके कर दो। तो फिलहाल मैं जस्ट चेक करने के लिए यहाँ पे देखता हूँ कि क्या मेरा कर्व इस पूरे कर्व को कवर करता है या नहीं करता। ठीक है, तो मैं यहाँ क्लिक करके ड्रैग कर रहा हूँ इस तरह से। तो अगर मैं देखूँ तो किसी हद तक ठीक आ रहा है, बट थोड़ा सा जो मेरा एप्पल है वो बाहर आ रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर हल्का इसको ड्रैग करूँ तो ये मेरे किसी हद तक कवर कर रहा है मेरे पूरे एंकर को और मेरे पूरे उस शेप को। ठीक है, बट स्टिल इसको और थोड़ा कम किया जा सकता है यहाँ पे। अब अगर देखें हम तो उसने पूरे हमारे जो कर्व था वहाँ पे उसको कवर कर लिया। याद रहे जिस तरफ आप ड्रैग करोगे उसके ऑपोजिट साइड पे आपका जो कर्व है वो क्रिएट होगा। अब दोबारा से मुझे कह रहा है कि आपने नेक्स्ट भी कर्व क्रिएट करना है, तो मैंने कर्व क्रिएट करना है बट वो एग्जैक्टली उस तरह कर्व दे नहीं रहा जिस तरह का मुझे चाहिए। तो मैं यहाँ पर क्लिक करके खुद से कर्व क्रिएट करूँगा। लेट्स से मैं यहाँ पर एक कर्व क्रिएट कर रहा हूँ इस तरह से। ठीक है, तो ये मेरे पास एक और कर्व यहाँ पे आ गया। नेक्स्ट हमारे पास ये वाली चीज़ है। ठीक है, अब इसको क्रिएट करने के लिए पहले मैं चेक करूँगा कि अगर यहीं से ये बन जाए, नहीं बन रही। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको डबल के अंदर ले आएंगे, एक यहाँ पे ले आते हैं। ठीक है, इस तरह से, और एक कर्व मैं क्रिएट कर दूँगा इस जगह। ठीक है, इसके अंदर थोड़ा रफ करेंगे ताकि हम बाद में इसके अंदर स्मूथ टूल भी अप्लाई करके साथ साथ उसकी प्रैक्टिस भी कर लें। नेक्स्ट हमारे पास ये कर्व बन रहा है, तो मैं सिंपल यहाँ पे क्लिक करके इस जगह पे देख रहा हूँ कि अगर मेरे पास यहाँ पे आ जाए तो ये देखें तकरीबन किसी हद तक वो बिल्कुल ठीक आ रहा है। ये चीज़ थोड़ी सी रफ़ होगी, इसको हम स्मूथ टूल के साथ ठीक करेंगे। ठीक है, और इसको यहाँ पे हम कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट हमारे पास ये वाला कर्व है, आप चाहें तो इसको दो में कन्वर्ट कर लें, एक से ये नहीं होगा। ठीक है, आप इकट्ठा करना चाहते हैं तो ये इतना अच्छा अप्लाई नहीं होगा। देखें थोड़ा सा इसका कर्व जो है वो बड़ा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम इसको हाफ में करेंगे, हाफ पहले यहाँ से यूँ। ठीक है, और नेक्स्ट जो हाफ आ रहा है उसको भी इसी तरह यहाँ से इस तरह से। ठीक हो गया। फिर हमारे पास ये वाला कर्व है। ठीक है, इसको भी दोबारा क्लिक करके मैं स्ट्रेट लाइन में ला रहा हूँ ताकि मैं कर्व अपनी मर्ज़ी से क्रिएट करूँ, पेन टूल मुझे ना बताए कि किस तरह कर्व क्रिएट करना है। ठीक है, इस जगह पर ट्राई करते हैं, अगर कर्व हमारा कवर हो जाए, और बिल्कुल ठीक कवर हुआ। नेक्स्ट हमारे पास अगर देखें तो ये एक कर्व है, इसको पूरा ट्राई करते हैं, अगर ये कवर हो जाए इसी के अंदर तो थोड़ा सा फ़र्क आ रहा है। हम उसको कवर करने के लिए इसको लेके आते हैं यहाँ तक और फिर नेक्स्ट वाले को ट्राई करते हैं, तो अब की बार हमारा वो कवर हो गया। ठीक है, तो ये हमारे पास जो पूरा एप्पल था वो कलर कर लें अगर यहाँ से हम इस तरह से, तो ये हमारा जो पूरा कलर है, जो मर्ज़ी कलर चाहें इसके अंदर आप कर सकते हैं। ठीक है, ये एक पार्ट हो गया। अब हम करते हैं जी इसका दूसरा पार्ट, इधर से इस तरह से। ठीक है, थोड़ा सा दूर कर लेते हैं क्योंकि इसके अंदर हमने जो एंगल्स के हैंडल्स हैं वो काफ़ी दूर लेके जाने होते हैं। पेन टू सेलेक्ट करेंगे दोबारा से और एक तरफ से शुरू करें आप, इसको यहाँ पे क्लिक करके इस तरह से। ठीक हो गया, और दोबारा से यहाँ से क्लिक करके इसको ले आएंगे, पहले लेके आते हैं यहाँ तक, देखते हैं कि एक ही में कवर हो जाए। ठीक हो गया। ठीक है जी, तो इस तरह से आपके ये पूरा क्रिएट हो जाएगा। आप इन दोनों को पकड़ें यहाँ से और ग्रुप कर लें और इसके अंदर आप कलर कर लें। ठीक हो गया, तो ये हमने साथ ही उसका एक जो कलर्ड वर्जन है वो क्रिएट कर लिया है, वेक्टर वर्जन क्रिएट कर लिया। अगर आपको लगता है कि आपने इसको थोड़ा सा और बेहतर करना है, फॉर एग्जाम्पल मुझे लगता है कि यहाँ पर ट्रेसिंग ठीक से नहीं हुई, हल्का सा जो डिफरेंस था वो कर्व का आया है, सिंपल इसको सिलेक्ट करें डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से, स्मूथ टूल पकड़ें और हल्का सा यहाँ पे इसको अप्लाई कर दें। ये देखें उसने इसको स्मूथ कर दिया है और ओवरऑल आपका जो स्ट्रोक था वो परफेक्ट हो गया है। थोड़ा सा यहाँ पे फ़र्क है, हल्का सा अप्लाई किया और आपका ओवरऑल जो डिफरेंस था वो ख़त्म हो गया। ठीक है, तो ये आपका ओवरऑल तरीका है। अब इसको अगर आपने कहीं प्रेजेंट करना हो कि कैसे करना है तो सिंपल मैं वो आपको दिखा देता हूँ। ये पूरी चीज़ वीडियो में सेव होगी, आप इसको दोबारा देख लीजिएगा साथ साथ। तो इसकी परेशानी उन्होंने कैसे किया है, हमने सिंपल कर्व्स क्रिएट करके और पेन टूल को साथ साथ यूज़ करके ये उसको ट्रेस किया। आप बेशक यही सब कुछ अप्लाई करते हुए कर लीजिएगा ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हम लोगों ने किस तरह से क्रिएट करना है। ठीक है, अच्छा इसके नीचे आप सिंपल इस तरह से लिख सकते हैं रास्टर यूं और इसके नीचे वेक्टर। ठीक है, आप लोगों ने मुझे इसी तरह अपने जो डिज़ाइन आप क्रिएट करोगे वो आपने मुझे इसी तरह दिखाने हैं कि हमने जो दो चीज़ें क्रिएट की हैं उसमें से ये रास्टर है और ये वेक्टर है। ठीक है, यहाँ तक कि क्वेश्चन हो, कोई चीज़ समझ ना आई हो तो पूछ लें। इसको दोबारा से ट्रेस करना पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि टाइम उसमें काफ़ी लग जाता है, लेकिन ये चीज़ वीडियो में सेव होगी तो आपको आइडिया हो जाएगा। सिर्फ याद रखने वाली चीज़ ये है कि आपके पास जो पेन टूल है वो सिंपल काम इस तरह करता है। एक दफ़ा लास्ट टाइम रिवाइज़ करवा रहा हूँ आज के लेक्चर में। क्लिक करके छोड़ेंगे तो ये आपको स्ट्रेट लाइन का ऑप्शन देगा और नेक्स्ट क्लिक करके छोड़ देंगे तो फिर स्ट्रेट लाइन का ऑप्शन देगा, लेकिन अगर क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो आपको कर्व का ऑप्शन देगा। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने आपको दोबारा बता दी है और इन्हीं कर्व्स के साथ प्ले कीजिएगा। पहले आपने गाइड्स क्रिएट करके उसको कर्व क्रिएट करना है ताकि आपको आइडिया। डायरेक्ट अगर एप्पल क्रिएट करना शुरू कर दोगे तो उसमें माइट भी आपको थोड़ा सा मसला आ सकता है। ठीक है, अच्छा इनका कैसे पता चलेगा कि कौन सी लेयर पे हैं हम, मतलब कौन सी लेयर पे। सिंपल आप यहाँ पे मल्टीपल लेयर्स हैं आपके पास, हम किसी लेयर पे नहीं हैं, हम ऊपर आर्टबोर्ड के काम कर रहे हैं। आपने कोई भी लेयर यहाँ से चेक करनी है, कौन सी लेयर सेलेक्ट करनी है, तो यहाँ से आप कर सकते हैं। ठीक है, सर हम पिक्चर की कॉपी नहीं क्रिएट कर सकते जैसे इमेज की करते हैं। कॉपी मतलब किस तरह से, अब इसके अंदर आप कलर तो नहीं कर सकते, कॉपी तो क्रिएट कर सकते हो इसकी। ठीक है, इमेज की कॉपी तो क्रिएट कर सकते हैं बट आप इसमें कलर नहीं कर सकते। हमने इसको इस तरह से क्रिएट किया है कि ये वेक्टर में हो जाए, इसको मैं बड़ा छोटा जितना मर्जी करूँ ये ब्लर नहीं होगा क्योंकि ये वेक्टर बन चुका है। ये पॉइंट से क्रिएट हुआ है, ये पिक्सल से बना हुआ है। ठीक है, ये जेपैग इमेज है, ये पिक्सल से बना हुआ है, ये जो है ये वेक्टर है, ये पॉइंट से बना हुआ है। अच्छा सर अगर हम इमेज में डिफरेंट कलर हों तो फिर कैसे फिल करेंगे। इसमें अगर डिफरेंट कलर्स हैं तो आप वो सेम कलर्स में अप्लाई कर लोगे। ठीक है, मुझे दिखाइएगा आपने जो जिस इमेज के अंदर डिज़ाइन करना है उसको मैं बता दूंगा वो किस तरह से कन्वर्ट होगा। ठीक है, बाकी अगर इसके अंदर यूँ लेयर्स में कलर हैं तो आप उसी तरह से इरेजर टूल यूज़ करते हुए इसके अंदर यहाँ से इरेजर टूल अप्लाई करोगे। मैं थोड़ा सा वो करके दिखा देता हूँ, पहले हम इसको अनग्रुप कर लें। ठीक है, और आप इस तरह से इसके अंदर यहाँ पे यूँ लाइंस करके अगर कलर डिफरेंट करना चाहते हैं तो आप वो दिखाने के लिए कि ये वेक्टर है तो यहाँ पे आप इस तरह से इसके अंदर मल्टीपल कलर्स भी कर सकते हैं। ठीक है, डिफरेंट कलर्स ट्राई करके, बड़ी कोई इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा। अच्छा सर आपने बहुत अच्छा ड्रॉ किया है, इंप्रेसिव। मैंने इसलिए अच्छा ड्रॉ किया क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से कर रहा हूँ, मैं पहली दफ़ा पेन टूल यूज़ नहीं कर रहा। आप लोग करोगे तो माइट भी थोड़ा डिफरेंस आ जाए, बट मेरे साथ खुद को कंपेयर नहीं करना आपने अपने साथ करना है कि आपने पहली दफ़ा एप्पल ड्रॉ किया, नहीं अच्छा बना, दोबारा ड्रॉ करें, दोबारा ट्राई करें, नहीं अच्छा बना, फिर दोबारा ट्राई करें। ठीक है, अच्छा इसको थोड़ा सा और क्रिएटिव करने के लिए, थोड़ा सा और एक्साइटिंग करने के लिए आपको मैं एक गेम देता हूँ। आप वो गेम प्ले करोगे, आपके पेन टूल की प्रैक्टिस और ज़्यादा हो जाएगी और फिर पता चलेगा उस गेम को कौन ज़्यादा अच्छा प्ले करता है और किसने ज़्यादा लेवल्स अचीव किए हैं। कौन सी गेम है वो, ये गेम है जिसका नाम है बेजियर गेम। ठीक है, ये सिंपल इसके ऊपर टॉप स्पेलिंग लिखे हुए हैं, ये यहाँ पे BEZIER बेजियर गेम एक गेम है जिसका काम ये है कि आपको पेन टूल सिखाती है। ठीक है, इस पर क्लिक करूँगा तो इस तरह से आपके पास ये बेजियर गेम की एक वेबसाइट ओपन हो जाएगी। आपने करना ये है कि इसके अंदर आपको पेन टूल दिया हुआ है और आप यहाँ पर इस तरह से पेन टूल अप्लाई करते जाते हो। वो आपको बता रहा है कि क्लिक करके यहाँ पे क्लिक करके ड्रैग करते जाएंगे तो पेन टूल आपका काम करता जाएगा। ये शुरू में थोड़ा सा आपको इस तरह से एक ट्यूटोरियल भी दे रहा है कि ये किस तरह क्रिएट होगा और आप उसी तरह से उसके कहने की तरह जैसे उसने कहा है उसी तरह यहाँ पे पेन टूल अप्लाई करते जाओगे। ठीक है, ये नेक्स्ट आपको कह रहा है कि आप शिफ्ट प्रेस करके इस तरह से क्रिएट करोगे सर्कल, तो ये आपकी ओवरऑल जो एक प्रैक्टिस है वो हो जाएगी। लेकिन याद रहे कि आप लोगों ने इससे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी। जो वेबसाइट के ऊपर पेन टूल है, ये वेबसाइट के ऊपर पेन टूल बना हुआ है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा कोई इतना इफेक्टिव नहीं होगा कि जितना इफेक्टिव आपका ये एक्चुअल सॉफ्टवेयर का पेन टूल है, ठीक है। तो दोनों में फ़र्क आ सकता है थोड़ा बहुत, ठीक हो गया। अच्छा, मैंगो बना के दिखाएं सर। मैंगो आप ख़ुद बनाइएगा, फिर देखते हैं आप कैसा मैंगो बनाते हैं, ठीक है। इट वॉज क्वाइट ईजी है। जिस तरह आप प्रैक्टिस करोगे, जितना अप्लाई करोगे, उतना चीज़ आपके लिए ईजी होती जाएगी। कुछ लोगों के लिए मुश्किल होगा और मैं चाहता हूँ कि मुश्किल हो, ताकि आप प्रैक्टिस करके उसको आसान बनाएं, ठीक है। अगर शुरू में आसान होगा तो उतना मज़ा आएगा नहीं। तो आपने करना ये है कि इसके साथ साथ यहाँ से प्रैक्टिस करनी है, और इसके अलावा ये जो गेम है ये प्ले करनी है, और देखें आप कितने इसके मास्टर होते हैं और कितने किस लेवल तक जाते हैं। मैं नेक्स्ट वीक पूछूंगा आपसे कि किस बच्चे ने कितनी ये कवर कर ली है गेम, ठीक है जी। तो ये ओवरऑल आपका जो इस वीक की असाइनमेंट है फ़िलहाल वो इतनी है। आगे चल के देखूंगा कि हम कोई और चीज़ सीखेंगे साथ साथ, तो फिर वो चीज़ें ऐड करते जाएंगे। अच्छा जी, सर बस कर दें, बहुत है आज के लिए जी। आज का कवर हो गया है हमारा, ठीक है। हम लोगों ने पेन टूल कर लिया है, स्मूथ टूल कर लिया है, ये ऐड एंकर पॉइंट और शेप बिल्डर टूल मैं आपको कल करवा दूंगा, कोई इशू नहीं है, ठीक हो गया, ठीक है, डेट्स फाइन। आज को हम और नहीं पढ़ रहे, लेकिन आज जो हमने चीज़ें पढ़ी हैं इसको कवर कर लीजिएगा। इसके अलावा मैं आपको वीडियोस भी दे दूंगा, ताकि आप में से जो बच्चे और डिटेल में काम करना चाहते हैं, यानी कि वो थोड़ा जल्दी पिक कर रहे हैं चीज़ों को, तो वो कर लें। बाकी जिनको बाद में टाइम मिला वो बाद में कर लें, ठीक है। तो ये ओवरऑल आज की चीज़ें थी। माशाल्लाह से हम लोगों ने ये सब कुछ कवर कर लिया है, और ये अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बच्चों को ये सारी चीज़ें आती भी हैं। बाकी साथ साथ बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं। शुरू में हमें लगता था कि पता नहीं ये सारी चीज़ें कैसे सीखेंगे, हमें तो इलस्ट्रेटर ओपन भी करना नहीं आता, आर्टबोर्ड भी नहीं बनाना आता, लेकिन देखें अब आपकी प्रैक्टिस के साथ साथ आपने सब कुछ कवर कर लिया। तो बताने का मकसद ये है कि सब कुछ हो जाता है प्रैक्टिस के साथ साथ, ठीक है जी। तो ये एप्पल का लोगो सिंपल आपको गूगल से मिल जाएगा, आप उसको ले लें। नाइकी का लोगो यूज़ कर सकते हैं आप लोग प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ नाइकी लोगो किस तरह का है, ठीक है। ये नाइकी का स्वॉश जिसको कहा जाता है, ये लोगो है नाइकी का, जो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है, प्रैक्टिस के अंदर। आप इसके अंदर भी दो कर्व सिंपल क्रिएट करके उससे ही बना सकते हैं। तो थोड़ा सा देखें, अप्लाई करें इन चीज़ों को, ठीक हो गया। तो यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लें, मैं यहाँ पे आपके पास। अच्छा सर ऐड एंकर सिंपल करवा दें, नहीं अब हमने कह दिया कि आज का काफ़ी है तो काफ़ी है, बाकी कल करेंगे। सर बाकी वीडियोस कैसे शेयर करेंगे? मैं शेयर करूँगा, ग्रुप में पोस्ट कर दूँगा सिंपल, ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ पे लिंक शेयर कर रहा हूँ, इन केस आप में से कोई अगर स्ट्रीम ज्वाइन करना चाहता है, कोई चीज़ शेयर करनी है, कोई फीडबैक देना है, कोई मसला है, एक क्वेश्चन है, कोई भी चीज़ है, आप मेरे साथ लाइव स्ट्रीम में अभी आ सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ से इसको शेयर कर देता हूँ आपकी पोस्ट पे, जस्ट अ सेकेंड। सर एक लेटर है, डिज़ाइन करके प्रिंट करना है, उसको CMYK रखेंगे। मुझे लगता है अहमद को प्रोजेक्ट मिल गया शायद जी, CMYK में ही रखेंगे, और आपने उसको प्रिंट करना है, ठीक है। ओके जी। सर ऐड एंकर तो छोटा सा है, बात छोटे बड़े की नहीं है, बात ज़बान की है। मैंने बच्चे से वादा कर लिया कि आज हम और कोई चीज़ नहीं पढ़ेंगे, तो इसलिए हम आज और कुछ नहीं पढ़ रहे। सर स्ट्रीम पे कब तक होते हैं आप? जब तक हमारी चीज़ें कवर हो जाती हैं। अभी मैं यहाँ पे मौजूद हूँ, अगर आप में से कोई ज्वाइन करना चाहते हो तो अभी कर सकता है। उसके बाद जब मैं स्ट्रीम बंद कर देता हूँ तो फिर चीज़ बंद हो जाती है, फिर आप अप्लाई या इसको ज्वाइन नहीं कर सकते। एक टाइम पर 6 लोग इवन के ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप बारी बारी आना चाहते हैं, बारी बारी कर सकते हैं, जैसे आपको ठीक लगे, ठीक है। अच्छा जी जस्ट मैं ठीक है, वेट कर रहा हूँ। शुक्रिया सर, और कुछ ना पढ़ाने के लिए, ठीक है। लेकिन जो चीज़ें आज पढ़ी हैं उसको आप कवर कर लीजिएगा। लोड नहीं हो रहा लिंक, दोबारा ट्राई कर लें। मैं यहाँ से देख रहा हूँ लोड हो रहा है वैसे तो। एक दफ़ा दोबारा उसको रीस्टार्ट करके देख लें। सर हम वेक्टर ड्रॉ करके पीएनजी में ही एक्सपोर्ट करेंगे। अगर आपने सिर्फ अपनी प्रैक्टिस के लिए करना है तो पीएनजी में कर लें, लेकिन अगर क्लाइंट कहता है कि मुझे वेक्टर फाइल चाहिए तो फिर उसको एसवीजी में सेंड करेंगे। ठीक है, अगर आपने अपनी प्रैक्टिस के लिए करना है, जस्ट देखने के लिए कि हमने एक चीज़ पेन टूल के साथ यूज़ करके क्रिएट की है, उसमें आप पीएनजी में कर सकते हो। लेकिन अगर क्लाइंट कहता है कि मुझे वेक्टर फाइल चाहिए इसकी, तो फिर आप उसको एसवीजी में सेंड करेंगे। ओके जी, मेरा ख्याल आदिल आ गए हमारे साथ। जस्ट अ सेकेंड। अस्सलाम वालेकुम आदिल, आप मुझे सुन सकते हैं? जी सर। जी आदिल बताएं, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? आपको सारे सुन रहे हैं इस टाइम, सबको सलाम कर दें। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा आदिल बताएं जी, क्या क्वेश्चन है आपका, क्या इशू है? कोई चीज़ समझ आ रही है आपको कुछ अभी तक जो हमने पढ़ा है? यस सर, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ समझ आ रही है। ठीक हो गया सर। थोड़ा सा डिज़ाइनिंग का आपसे पहले भी डिस्कस की थी, आइडियाज़ वगैरह के लिहाज से। आइडियाज़ बहुत मुश्किल होते हैं। आइडियाज़ को मैंने आपको बताया कि हम इंस्पायरेशन में बात करेंगे कि ओवरऑल जो इंस्पायरेशन लेते कहाँ से। देखिए मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। अगर फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहता हूँ, मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आपको लेडीज़ कपड़े सीने नहीं आते होंगे, ठीक है, मैं एज्यूम ये कर रहा हूँ। अगर मैं आपसे कहता हूँ कि आपने एक लेडीज़ ड्रेस क्रिएट करना है, एक ब्राइडल ड्रेस, ठीक है, दुल्हन का, आप नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि वो बनता किस तरह से है, उसमें डिज़ाइन कौन कौन से होते हैं, एक दुल्हन का ड्रेस होता किस तरह का है, नहीं बना सकेंगे। ठीक है, कोई टेढ़ी मेढ़ी चीज़ बन जाएगी। लेकिन अगर मैं यही चीज़ किसी फीमेल से कहता हूँ जिसको थोड़ा बहुत ब्राइडल ड्रेस का पता है, जो डेली बेस के ऊपर इस तरह की इंस्पायरेशन लेती रहती हैं या पिक्चर्स देखती हैं ब्राइडल ड्रेस का, आजकल फैशन क्या चल रहा है, तो वो फ़ौरन से वो चीज़ बना लेंगी। क्यों? क्योंकि उनके पास माइंड में जो कंटेंट है वो ब्राइडल ड्रेस से रेलिवेंट पड़ा हुआ है। ठीक है, मैं आगे चल के आप लोगों को डिज़ाइन से रेलिवेंट सोर्सेज बताऊँगा कि जहाँ से आप डेली बेस के ऊपर वो कंटेंट कंज्यूम कर रहे होगे, आपको पता होगा कि ट्रेंड के अंदर फ़ॉन्ट कौन से अच्छे चल रहे हैं आजकल, मॉडर्न कलर कौन कौन से हैं। तो वो सारी चीज़ें जब आप कवर करोगे तो फिर आप अपना एक अच्छा डिज़ाइन क्रिएट कर सकोगे, क्योंकि आपके माइंड में वो चीज़ है। ठीक है, अब एक और मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। हम लड़के के क्रिकेट खेलने जाते हैं, हमें पता होता है कि अगर बॉल ऑफ साइड पे आ रही है तो हम ये शॉट खेल सकते हैं, लेग साइड पे आ रही है ये शॉट खेल सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमने खेलते हुए देखा है किसी को। ठीक है, अगर किसी लड़की को कहेंगे कि क्रिकेट खेलना शुरू कर दे, वो बेचारी कभी इधर पर शॉट मारे कभी उधर पर शॉट मारे। क्यों? क्योंकि उसने खेलते हुए देखा नहीं। तो ये एक चीज़ है कि जितना कॉन्टेंट आपके माइंड में होगा उतना अच्छा आप परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, तो हम आगे चल के रिसोर्सेज देखेंगे कि जहाँ पे अच्छे डिज़ाइन मिलेंगे हमें, उनको कंज्यूम करेंगे, माइंड में रखेंगे और फिर दोबारा से हम अच्छी चीज़ें क्रिएट कर सकेंगे। ठीक है, सर हम असाइनमेंट्स बना रहे हैं तो उनके रिव्यूज़ अब आपके आने बंद हो गए हैं। असाइनमेंट बना रहे हैं किसके सर? जितनी भी है सब बहन भाई। हाँ हाँ, असाइनमेंट्स शेयर कर रहे हैं तो आप रिव्यूज़ अब उन पर नहीं दे रहे? नहीं, मैं देख रहा हूँ सारी असाइनमेंट। असल में एक चीज़ ये है कि एक बच्चा चार इमेजेस अपलोड कर रहा है तो वो सारी को लाइक करना पॉसिबल नहीं होता। कभी मैं लाइक कर भी देता हूँ, लेकिन मुझे डर इस बात का था अगर एक का भी लाइक रह गया ना तो मेरे सर पड़ जाता है कि सर जी मेरा लाइक नहीं किया, इसका मतलब है कोई मसला था उसमें। तो मैं देख सारों के डिज़ाइन रहा हूँ, अब मैं समझ गया हूँ बच्चों को, तो मैं डिज़ाइन सबके देखता हूँ लेकिन कोई उस पर रिस्पॉन्स नहीं करता। ठीक है, लेकिन आगे चल के जब आप लोग डिज़ाइन पढ़ लोगे, इसी वीक के अंदर हम लोग प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन पढ़ लेंगे, उसके बाद मेरी कोशिश होगी मैं सब पे कमेंट दूँ। ठीक है, ताकि वो प्रॉपर आपको आइडिया हो कि आपका डिज़ाइन अच्छा ही बुरा है। ठीक है, थैंक यू सर। अच्छा चलें, ठीक है, अब आप लीव कर सकते हो यहाँ से, या और कोई क्वेश्चन हो तो बता दो, कोई स्क्रीन शेयर वगैरह करनी है तो कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। नहीं सर, थैंक यू सर। चलें, बड़ी खुशी हुई किसी बच्चे की आवाज़ सुन के कि उस साइड जो लोग बैठे हैं वो बोलते हैं प्रॉपर उर्दू बोलते हैं माशाल्लाह से। ठीक है जी, थैंक यू सो मच जी आदिल। नेक्स्ट कोई बच्चा ज्वाइन करना चाहे तो वो कर सकता है यहाँ से। मैं एक दफ़ा लिंक दोबारा शेयर कर देता हूँ आप लोगों के साथ, अगर आप में से कोई दोबारा ज्वाइन करना चाहता है, वरना फिर मैं आज का जो लेक्चर है उसको यहीं पे क्लोज़ कर देता हूँ। अच्छा जी, ठीक हो गया, लिंक मैंने शेयर कर दिया है। सर आपकी वीडियो क्यों नहीं आ रही? क्योंकि मैंने वीडियो बंद की हुई है। सर घर में बहुत बोल लेती हैं काफ़ी है। ठीक है जी, कोई मसला नहीं। चले मैं 2 मिनट वेट कर रहा हूँ, अगर कोई और ज्वाइन करना चाहता है ठीक है, वरना फिर हम इसको क्लोज़ कर लेते हैं। लेक्चर आपका कंप्लीट हो गया, जो लोग क्लोज़ करना चाहते हैं, लीव करना चाहते हैं कर सकते हैं, नो इशू। अब्दुल शकूर हमारे साथ हैं, मैं उनको याद कर लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल शकूर, आप मुझे सुन सकते हैं? वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है सर? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। इतनी खुशी हुई आपको मेरी आवाज़ सुन के? सर ज्वाइन नहीं हो रहा था, पता नहीं, मैंने पहले भी ट्राई किया है। अब ज्वाइन हो गए, आपको सब सुन सकते हैं जी। क्या हाल है, बताएँ क्या खिदमत? अब्दुल शकूर हमारे साथ हैं, मैं अस्सलाम वालेकुम अब्दुल शकूर, आप मुझे सुन सकते हैं? वालेकुम सलाम, क्या हाल है सर? अच्छा अब्दुल शकूर, आप अपना माइक सॉरी स्पीकर बंद कर दें ताकि डबल आवाज़ ना जाए। ओके सर, बंद कर दिया जी। बताएं क्या करें, मैं आप कोई इशू है, कोई क्वेश्चन है, कोई स्क्रीन शेयर करनी है? सर मुझे गाइड्स के बारे में आ रहा है इशू, मुझसे वो डिलीट नहीं हो रहा, गाइड्स 1 बाई 1 डिलीट नहीं हो रही, वैसे तो डिलीट हो रही है, मतलब उससे डिलीट ऑल वो विंडो से जाकर या मेन्यू से जाकर। स्क्रीन शेयर कर सकते हैं मेरे साथ? ये नीचे स्क्रीन शेयर का ऑप्शन आ रहा होगा आपके पास। मैं इलस्ट्रेटर ओपन कर लूँ। कर लें, कर। अस्सलाम वालेकुम अहमद तल्हा, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम सर, ठीक हूँ मैं, अल्लाह का शुक्र। अच्छा सर, एक मसला दरपेश आ रहा है, वो ये है कि जहन एक किस्म का स्टक हुआ हुआ है कि एक आइडियाज़ जिसे कहते हैं कि वो आइडियाज़ जहन में नहीं आते जब ये इलस्ट्रेटर खोल के बैठता हूँ। ये अभी मैंने इसका पहले एक स्टूडेंट आए हुए थे, उनको मैंने दिया इसी का आंसर ना, तो आप उसको चेक कर लीजिएगा, उससे आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। अभी आदिल को मैंने ये चीज़ बताई, उससे आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा, लेकिन थोड़ा वेट कर लें। अभी थोड़ा सा ना, हमें तकरीबन 1 या 2 वीक्स हुए, तो हमें आगे चल के आइडियाज़ का क्लियर हो जाएगा। इसी तरह सर लेटर हेड जैसे मैं डिज़ाइन कर रहा हूँ, तो उसमें अब ये समझ नहीं आती कि किस तरह से उसको कलर सेट करें, क्या कलर दें कि जिससे क्लाइंट भी आगे जो है उसको अट्रैक्शन महसूस हो। लेटर हेड देख करवा दूंगा मैं, कोई मसला नहीं, सब कुछ हो जाएगा। क्योंकि इस कोर्स का नाम ही क्रिएटिव डिज़ाइन है, तो वो क्रिएटिविटी में आपकी पूरी जो है वो एक तरह से शार्प करके उसको और बना के फिर आपको भेजूँगा यहाँ से, फिक्र हो जाएगा। अच्छा जी अब्दुल शकूर, आपकी स्क्रीन नज़र आ रही है, अब बताएं क्या इशू आ रहा है इसमें? सर ये गाइड मैं क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक हो गया, ये 1 बाई 1 डिलीट करनी है, मतलब फर्ज करें मैंने ये गाइड बनाई और ये मुझसे सही जगह प्लेस नहीं हुई। ठीक है, आप साइड पे क्लिक करें अभी। ओके ठीक है, आप एक गाइड जो डिलीट करनी है उस पर क्लिक करें। जी हाँ, क्लिक करके उसको डिलीट करें। क्या होता है? डिलीट का बटन प्रेस करूँगा। हाँ, डिलीट का बटन प्रेस करें। नहीं हो रहा। राइट क्लिक करें। राइट, ओके, अनलॉक करें गाइड्स को। अब सेम मेथड को क्लिक करके डिलीट करें। ओके ठीक है सर, कोई इशू और कोई इशू नहीं सर, और तो कोई इशू नहीं, बस इसी में प्रॉब्लम आ रहा है। जो आपके रुके हुए थे इससे वो आपने करने हैं और मुझे बताना है, ठीक है? जी सर, थैंक यू सर, ओके। ठीक है, मैं इसको क्लोज करता हूँ। आज हमारे जो थैंक यू सर, आई होप कि रिजॉल्व हो जाएंगे। थैंक यू जी, थैंक यू अब शुक्र। चलें जी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इसको क्लोज़ करता हूँ। अल्लाह हाफिज़।